Hello guys, welcome to Study for Civil Services. Today is 1st of July 2019 and guys, current affairs ka ye lecture aap log dekh rahe hain. Is lecture ko exclusively civil services examination ko dhyan mein rakhte hue prepare kiya gaya hai. To aap mein se jo bhi UPSC civil services ya fir kisi bhi state civil services examination ki taiyari kar rahe hain to video ko end tak zarur dekhiyega. गाइज यहाँ पर हम लोग मल्टीपल सोर्सेज की न्यूज़ को कवर करते हैं, जैसे कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, लाइव मैन, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उनकी न्यूज़ को कवर किया जाता है. पीआईबी की रिपोर्ट्स, राज्यसभा टेलीविजन में जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ डिस्कशन डिबेट्स आती हैं उनको डिस्कस करते हैं, प्लस वेरियस मैगजीन्स जैसे कि डाउन टू अर्थ, ईबीडब्ल्यू के भी आर्टिकल्स को डिस्कस करते हैं. सो गाइज ये लेक्चर आप लोग को कैसे बेनिफिट प्रोवाइड कराएगा, तो यहाँ पर जो भी करंट अफेयर्स, जो भी न्यूज़ को हम लोग डिस्कस करते हैं वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के फॉर्मेट में होती हैं, जिनसे कि आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को कैसे डील करना है. साथ ही साथ गाइज जो भी कंसेप्चुअल न्यूज़ होती हैं उनसे रिलेटेड मैं आपके कंसेप्ट अच्छे से क्लियर करता हूँ, प्लस मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो मेन्स आंसर राइटिंग में आप लोग को न्यूज़ में क्या क्या पॉइंट्स को ध्यान में रखना है वो भी मैं आप लोग को बताता हूँ. और न्यूज़ में करंट अफेयर्स में जो भी जनरल स्टडीज़ का पोर्शन आता है यानी कि स्टैटिक पोर्शन, उसको भी हम लोग बहुत अच्छे से कवर करते हुए चलते हैं. सो गाइस डेली बेसिस पर यहाँ पर करंट अफेयर्स की कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करवाई जाती है. तो नीचे जो लाइक का बटन दिया गया है इस लाइक के बटन को हिट कर दीजिए और चेक कर लीजिए कि आपने सब्सक्राइब के बटन को और बेल आइकन पर हिट किया है कि नहीं, क्योंकि अगर आप इन दोनों बटन पर हिट करेंगे तो हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन अपडेट्स आपको टाइम पर मिल जाएगी. साथ ही साथ गाइज अगर आप चाहें तो हमारे पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं जो कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए अवेलेबल हैं, जहां पर हम लोग आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन करवाते हैं एग्जामिनेशन की, प्लस आपको यहां पर स्टडी मटेरियल दिया जाता है और समय समय पर टेस्ट भी कंडक्ट करवाए जाते हैं. तो इन दिए गए नंबर्स पर आप कॉन्टैक्ट करके हमारे पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं. और अगर आप चाहें तो हमारे फ्री टेलीग्राम के ग्रुप्स हैं जो कि आप टेलीग्राम एप्लीकेशन पर ये दी गई लिंक्स को सर्च करते हुए ज्वाइन कर सकते हैं. यहाँ पर ये जो लिंक मौजूद है और यहाँ पर हम लोग आपको फ्री में स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड कराते हैं और वीडियोस की नोटिफिकेशन अपडेट्स भी आपको वहाँ पर मिल जाती है. दोस्तों स्टार्ट करेंगे सबसे पहली न्यूज़ से. तो बात की जा रही है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के बारे में. तो इन तीनों में से करेक्ट स्टेटमेंट बताने हैं तो गाइस समझ लेते हैं कि ये कानून जो है वो क्या बोलता है. तो पहले स्टेटमेंट बताया जा रहा है कि इट्स ऑब्जेक्टिव इज़ टू प्रोवाइड फॉर फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी इन ह्यूमन लाइफ साइकिल अप्रोच. इस कानून का मेजर ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारे यहाँ जो इंडियन सिटीजन हैं उनको प्रॉपर मात्रा में फूड मिल सके, खाना मिल सके, और खाना जो होना चाहिए वो न्यूट्रिशियस होना चाहिए, न्यूट्रिशनल फूड होना चाहिए. क्योंकि देखो गाइस पेट भरना जो है वो इस कानून का मेजर ऑब्जेक्टिव नहीं है कि हर एक इंसान का पेट भरना चाहिए. मेजर ऑब्जेक्टिव ये है कि जो वो खा रहे हैं उस फूड में प्रॉपर न्यूट्रिशन होना चाहिए जिससे कि उनकी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल सके. क्योंकि आप सभी जानते हैं अगर बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ जो है वो खराब हो जाएगी. और इवन आपको मिड डे मील के बारे में भी पता होना चाहिए. मिड डे मील जो स्कीम है गाइस सरकार की, तो इस पॉलिसी के थ्रू जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं उनको एक टाइम स्कूल में खाना खिलाया जाता है और अट्रैक्ट किया जाता है कि लोग बाग जो है वो अपने बच्चों को स्कूल भेजें जिससे कि उनके बच्चों को खाना मिल सके. तो यहाँ पर भी आज की रेट में मेजर फोकस न्यूट्रिशन पर ही किया गया है, राइट. क्योंकि न्यूट्रिशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और न्यूट्रिशन किसी इंडिविजुअल को नहीं मिलता तो हम लोग को माल न्यूट्रिशन, कुपोषण जैसी प्रॉब्लम्स लोगों में देखने को मिलती है और वेरियस डिजीज़ होती हैं, उनका इम्यून सिस्टम जो होता है वो वीक हो चुका होता है, राइट. और इवन मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक हिडन हंगर नाम का टर्म भी पता होना जरूरी है जिसके बारे में पहले हम लोगों ने प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में डिस्कस भी किया था हिडन हंगर के बारे में. तो ये गाइस हिडन हंगर आज की डेट में हम लोग को देखने को मिलता है कि तीन में से एक इंडिविजुअल को होता है हिडन हंगर. यानी कि अगर आप किसी इंडिविजुअल को देखोगे तो वो हेल्दी दिखाई देगा, यानी कि वो मोटा सा दिखाई देगा, हेल्दी दिखाई देगा, बट एक्चुअल में उसके अंदर न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम होती है. वो माल न्यूट्रिशन की स्थिति में हम लोग को देखने को मिलता है, माल न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन की कमी होती है. तो इसीलिए ये टर्म जो है वो हिडन हंगर बताया गया. आप किसी को देखकर ये अनुमान नहीं लगा सकते कि वो जो इंडिविजुअल जो है वो न्यूट्रिशियस फूड गेन कर रहा है उसकी बॉडी में प्रॉपर न्यूट्रिशन है कि नहीं. बिकॉज आज की डेट में लोग बाग की लाइफस्टाइल जो है वो चेंज हो चुकी है. हम लोग को देखने को मिला है लोगों ने क्या कंज्यूम करना शुरू कर दिया है गाइस, ट्रांस फैट्स कंज्यूम करना शुरू कर दिया है, फास्ट फूड्स कंज्यूम करना शुरू कर दिया, इस प्रकार से अपनी लाइफस्टाइल चेंज कर दी जिसके चलते लोगों की बॉडी में फैट स्टोर होना शुरू हो गया है. इसको अगर हम लोग को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि यार वो तो अच्छा हेल्दी है, मोटा सा इंसान है, यानी कि प्रॉपर न्यूट्रिशन उसकी बॉडी में है, बट एक्चुअल में ये रियलिटी नहीं है. इसलिए आप देखते होंगे कई सारे हेल्दी लोग जो होते हैं गाइज वो वेरियस बीमारियों का शिकार बन चुके होते हैं और इवन उनका इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं होता, हम लोग को देखने को मिलता है बीमार पड़े रहते हैं. वो क्यों? बिकॉज उनकी बॉडी में प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं जा रहा है. तो न्यूट्रिशन पर आज की डेट में ज़्यादा फोकस है. तो हिडन हंगर को आप मेंस में उपयोग कर सकते हैं इस टर्म का, राइट. और By ensuring access to adequate quantity, ये ध्यान में रखना, adequate quantity of quality food. इसका major focus है कि हर एक individual को quality food की, यानी कि nutritious food की adequate quantity मिल सके. nutritious food में ये नहीं कि उनको जो है वो बस दाल provide करा दी, नहीं, balanced approach होनी चाहिए.
इंडिविजुअल को हर एक चीज़ की आवश्यकता होती है, हर एक चीज़ की हमारी बॉडी में। अगर बात करें हम लोग, विटामिन्स की आवश्यकता होती है, प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट्स की आवश्यकता होती है, इवन फैट्स तक की बॉडी में आवश्यकता होती है, क्योंकि फैट्स अगर जो इंसान बैलेंस तरीके से कंज्यूम करता है तो उसकी उसके चेहरे पर ग्लो आने लगता है, चमक आने लगती है। तो फैट का ये और भी एक मेजर कारण होता है, इंसान की स्किन को अच्छा करता है फैट, बट उसको अगर एक्सेसिव अमाउंट में ले लिया जाए तो वो प्रॉब्लम होना शुरू कर देता है। तो इसलिए बैलेंस्ड अप्रोच जो है वो न्यूट्रिशन में होना जरूरी है। एंड इसके अलावा एट अफोर्डेबल प्राइसेस, सस्ते में लोगों को मिल सके, बिकॉज हमारे यहाँ पुअर पॉपुलेशन हम लोग को बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, तो लोगों को अच्छा खाना जो है वो सस्ते में मिल सके, ये एक मेजर ऑब्जेक्टिव है, ये एक अप्रोच है जिसके थ्रू लोग बाग अपनी लाइफ को बेहतर बना सकें। एंड जो एलिजिबल पर्सन होंगे, जो बेनिफिशरी होंगे गाइस, उनको हर महीने 5 किलो राइस दिया जाएगा, हर महीने हर एक इंडिविजुअल को 5 किलो फूड ग्रेन में राइस, वीट और कोर्स ग्रेन हम लोग को देखने को मिलेगा, और वो सब्सिडाइज प्राइस में दिया जाएगा, सस्ते रेट में दिया जाएगा। और ये रेट्स आप लोग को याद होना जरूरी है, इवन मेंस और प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, बिकॉज रेट्स पूछ ले जाते हैं। तो जो बेनिफिशरी होंगे उनको 3 रुपये में राइस चावल दिया जाएगा, 2 रुपये में वीट गेहूँ दिया जाएगा, और 1 रुपये में कोर्स ग्रेन्स यानी कि ग्रेन्स वगैरह जो हम लोग को देखने को मिलते हैं वो दिए जाएंगे। तो इतने कम सब्सिडाइज रेट में जो है वो सरकार इस पर्टिकुलर कानून के थ्रू लोगों तक खाना पहुंचा रही है, और न्यूट्रिशियस फूड पहुंचाने का इसका मेजर ऑब्जेक्टिव है, राइट। ये एक्ट जो है गाइस वो बताया जा रहा है कि रूरल पॉपुलेशन का 75% रूरल पॉपुलेशन जो है वो कवर करता है, और अप टू 50% अर्बन पॉपुलेशन को कवर करने का इसका टारगेट है, और लोगों को टारगेट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू जो है वो सब्सिडाइज फूड ग्रेन देने की बात की गई है, और जिसमें बताया जा रहा है कि इंडिया के 2/3 पॉपुलेशन को इस कानून के थ्रू कवर किया गया है, 2/3 पॉपुलेशन को। आपने देखा होगा गाइस जो बीपीएल के जो लोग होते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन के, जो जिनके पास राशन कार्ड हम लोग को देखने को मिलता है, राशन कार्ड जो होता है, तो ये क्या करते हैं गाइस कि वहाँ पर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन शॉप होगी, कई सारी मूवीज़ में आपने वो शॉप्स देखी होंगी जहाँ पर जाकर लाइन लगाकर लोग बाग जो है वो अपना राशन कार्ड दिखाकर उनसे ग्रेन्स जो है वो मांगते हैं, ग्रेन्स लेते हैं उनसे, खाने पीने का सामान लेते हैं, वो काफ़ी सब्सिडाइज रेट में होता है। जैसे कि हिंदी मीडिया में एक मूवी है काफ़ी फेमस, इरफान खान की, उसमें भी आपने इसका देखा होगा, और वो तो एक फेमस मूवी है ही अनिल कपूर की, जिसमें वो एक दिन का सीएम बनता है, तो वहाँ पर छापा नहीं मारता एक पीडीएस की शॉप पे, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की शॉप पे, कि वो घोटाला कर रहे होते हैं, लोगों को जितना सामान देना चाहिए उतना सामान नहीं देते, मतलब अनयूजुअल तरीके से वे करते हैं उनके, मतलब तोलते हैं यानी कि उनके प्रोडक्ट्स को। तो इस प्रकार से करप्शन भी हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलता है। तो यही सब चीज़ें हैं कि यहाँ पर करप्शन भी बहुत एक मेजर प्रॉब्लम है, मेजर इशू है, जो कि आप मेंस में उपयोग कर सकते हैं इसका, राइट। इसके कारण इन सब चीज़ों को रोकना है, अगर ये एफिशिएंटली चलाना है फूड, नेशनल फूड सिक्योरिटी है कि एफिशिएंटली हर एक बेनिफिशियरी को फूड मिल सके, प्रॉपर न्यूट्रिशियस फूड मिल सके, तो करप्शन एक्टिविटी पर भी फोकस करना जरूरी है। इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, इसमें और हम लोग डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। तो देखो, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है वो 2013 में शुरू किया गया था, ये पार्लियामेंट ने इसको पास कर दिया था, यानी कि ये कानून 2013 में बन चुका था, और अभी न्यूज़ में इसलिए देख रहे हैं क्योंकि हमारे जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है श्री रामविलास पासवान जी, उन्होंने वेरियस ऑफिशियल्स को बुलवाया अपने पास, एक मीटिंग रखी न्यू दिल्ली में, जहां पर शामिल थे स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के ऑफिशियल्स, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के ऑफिशियल्स, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के ऑफिशियल्स, जो स्टेट फूड सेक्रेटरीज हैं यानी कि आईएएस ऑफिसर्स वगैरह, और स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वगैरह हैं, वो सब यहां पर मौजूद थे, और जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है, उनके द्वारा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट को और एफिशिएंट करने पर जो है वो डिस्कशन किया गया कि इसको और कैसे एफिशिएंट किया जा सके, राइट। और इस एक्ट के कुछ की फीचर्स की बात करें तो ये वाली चीज़ तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। अब देखिएगा, इस मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि फूड और न्यूट्रिशन के बारे में बात की जा रही है, और हर एक मेंस एग्जामिनेशन की अगर आप बात करें आप, तो आप इस चीज़ का उपयोग कर सकते हैं कि सरकार किस प्रकार से अपने लोगों को जो है वो बेनिफिट प्रोवाइड कराने का फोकस करिए। देखो, हर एक न्यूज़ में हम लोग को वेरियस चीज़ें मिलती हैं जो कि आप अपने हर एक आंसर में जो है वो रिफ्लेक्ट कर सकते हो, राइट। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ऐसा मत सोचा करो कि अरे यार ये GS2 के लिए या GS3 के लिए, नहीं, इंटीग्रेटेड अप्रोच होती है हर एक चीज़ जो मैं यहाँ पर बताता हूँ उसमें। आप इवन GS Paper 4 में भी इसका उपयोग कर सकते हो, जैसे कि अभी मैंने आपको करप्शन के बारे में बताया था कि करप्शन के कारण लोगों को इस प्रकार का लॉस होता है, जो PDS के थ्रू जो सरकार सब्सिडाइज रेट में लोगों को ग्रेन्स प्रोवाइड करा रही है, खाना प्रोवाइड करा रही है, वो लोगों को नहीं मिल पाता बिकॉज ऑफ करप्शन। सो आप इसका उपयोग अपने GS Paper 1, 2, 3, 4 किसी में भी जो है वो उपयोग कर सकते हैं, राइट। तो इसलिए हर एक टॉपिक को थोड़ा सा डिटेल में समझा करो, जैसे कि आपको सभी पेपर्स में आंसर लिखने के लिए कुछ पॉइंट्स आपके दिमाग में ऑलरेडी रहें, क्योंकि आप आंसर लिखोगे तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपको टाइम पर पूरे पॉइंट्स मिलना चाहिए, राइट। क्योंकि टाइम पर नहीं मिलेंगे तो अपना टाइम चला जाएगा, टाइम चला गया तो अपन क्वेश्चंस जो है वो पूरे लिख ही नहीं पाएंगे, और क्वेश्चन पूरे नहीं लिखेंगे तो कहाँ से सिलेक्शन होगा,
है ना, समझ रहे हो आप बात को? तो देखो इसके अलावा बात की जा रही है अंत्योदय अन्ना योजना के बारे में। तो गाइस अंत्योदय अन्ना योजना का आपने नाम सुना होगा, इसमें क्या होता है गाइस, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर जो हैं उनको कवर किया जाता है, जो गरीबों में से भी सबसे ज़्यादा गरीब हैं, तो उनको हर महीने 35 किलो जो फूड ग्रेन्स जो है वो प्रोवाइड किया जाता है, और हर महीने हर एक हाउस होल्ड को, यानी कि इंडिविजुअल की बात नहीं की जा रही, यहाँ पे हाउस होल्ड की बात की जा रही है, यानी कि पूरे परिवार की बात की जा रही है। तो एक परिवार को हर महीने 35 किलो फूड ग्रेन्स प्रोवाइड किया जाता है। तो इसमें बताया गया है कि जो लोग बेनिफिट उठा रहे हैं अंत्योदय अन्ना योजना की, उनको भी इवन इसमें इंक्लूड किया गया है, उनको एक्स्ट्रा पर पर्सन 5 kg फूड ग्रेन्स जो है वो हर महीने दिया जाएगा। यानी कि सपोज करो कि एक फैमिली में चार लोग हैं, तो उन चार लोगों को 35 किलो फूड ग्रेन्स तो मिलता ही है, प्लस इसमें हम लोग इंटू 5 अगर कर दें यहाँ पर, तो हम लोग को देखने को मिलेगा कि 35 + 20 टोटल 55 kg फूड ग्रेन्स जो है वो दिया जाएगा। तो अंत्योदय अन्ना योजना के जो बेनिफिशरीज हैं उनको एक्सक्लूड नहीं किया गया, बल्कि उनको इंक्लूड किया गया इसमें भी। तो ये वाली बात भी यहाँ पर बताई जा रही है। और इसमें बताया गया है कि स्पेशल फोकस रखा है वुमेन और चिल्ड्रन के ऊपर। जो प्रेग्नेंट वुमेंस होती हैं, लैक्टिंग मदर्स होती हैं, और जो महिला जिन्होंने बेबी को बर्थ दिया होता है, तो उसके 6 महीने तक ऐसी वुमेन जो होंगी गाइस, उनको ना ही सिर्फ मील प्रोवाइड किया जाएगा, ना ही सिर्फ खाना प्रोवाइड किया जाएगा इस कानून के थ्रू, बल्कि उनको कम से कम 6,000 रुपये तो दिए जाएंगे एज अ मैटरनल बेनिफिट। तो 6,000 रुपीज़ जो है वो उनको प्रोवाइड किए जाएंगे, राइट? तो ये एक्स्ट्रा सपोर्ट जो है वो वुमेन को प्रोवाइड करा रही है। और चिल्ड्रन के मामले में जो 14 साल तक के बच्चे जो होते हैं गाइस, उनको न्यूट्रिशनल मील प्रोवाइड किया जाता है एज़ पर प्रिस्क्राइब नेशनल स्टैंडर्ड्स। यानी कि उन बच्चों को या तो एग्स प्रोवाइड किए जाएंगे, राइट, या तो मिल्क प्रोवाइड किया जाएगा। यानी कि ये सब चीज़ें भी इसमें इंक्लूडेड हम लोग को देखने को मिलती है, एग्स, मिल्क और जो प्रिस्क्राइब न्यूट्रिशनल स्टैंडर्ड्स होता है बच्चों के लिए, क्योंकि बचपन ही हम लोग को देखने को मिलता है कि एक छोटा बच्चा जो है वो शुरुआत में अगर उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल जाए, तो उसकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ जो होगी वो रेस्ट ऑफ द लाइफ के लिए काफ़ी अच्छे से डेवलप हो जाएगी। तो इसीलिए ये सब चीज़ों पर भी फोकस किया है, ये सब की पॉइंट्स हैं जो कि आप मेंस में यूज़ करेंगे। इसके अलावा अगर इन केस अगर कुछ होता है कि जो फूड ग्रेन्स और मील्स वगैरह जो है वो बेनिफिशरी को अगर नहीं मिल पाते, सप्लाई नहीं हो पाता है टाइम पर, तो उस बेनिफिशरी को जो है वो फूड सिक्योरिटी अलाउंस प्रोवाइड किया जाएगा, यानी कि पैसा प्रोवाइड किया जाएगा। और पैसा जो होगा ये मार्केट रेट के ऊपर बेस्ड होगा, ऐसा नहीं कि वो सरकार जो है वो 3 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये में जो फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करा रही है तो वो उतना ही बेनिफिशरी को देगी, तो नहीं, वो मार्केट में जितने में जो है ग्रेन्स मिल रहे हैं, अवेलेबल हैं, तो मार्केट रेट्स के हिसाब से उनके बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए जाते हैं बेनिफिशरीज के। और इसमें यह भी बताया गया है कि ग्रेवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म जो है वो सेटअप किए गए हैं डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पर। यानी कि जो बेनिफिशरी हैं, अगर उनके साथ कुछ फ्रॉड हुआ है, उनका जो पीडीएस शॉप वाला जो है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का जो ऑफिशियल जो एम्प्लॉई वहाँ पर मौजूद है, जो कि इनको ग्रेन्स प्रोवाइड कराता है, तो वो कोई घोटाला कर रहा है, या फिर उनको सही चावल, सही दाल वगैरह, यानी कि सही फूड प्रोडक्ट्स नहीं मिल रहे हैं, खराब क्वालिटी के फूड प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, गंदे मिल रहे हैं, राइट, सड़े हुए, तो उस कंडीशन पर ये बेनिफिशरी जो है उनके लिए एक ग्रेवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म शुरू किया गया है, सेटअप किया गया है, जहां पर वो जाकर अपनी कंप्लेन लिख सकते हैं। और इसके अलावा गाइस ये जो कानून है इसमें ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करने के भी प्रोविजंस उपलब्ध हैं कि जो लोगों को जो ग्रेन्स प्रोवाइड किया जा रहा है तो एक्चुअल में बेनिफिशरी को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो इसको भी समय समय पर मॉनिटर किया जाता है, राइट। तो ये वाली बात भी यहाँ पर हम लोग को देखने को मिल रही है। अब गाइस इसमें मेन चीज़ आप लोग को क्या लिखनी है कि इसकी एफिशिएंसी कैसे बढ़ाई जाए, क्योंकि अभी डिस्कशन यही चल रहा है कि इतना जो एक्ट है, इतनी सारी सर्विसेज प्रोवाइड कराता है, बट देन टू हम लोग देख रहे हैं कि करप्शन के चलते और वेरियस चीज़ों के चलते लोगों को जो है वो प्रॉपर टाइम पर नहीं मिल पा रहा फूड ग्रेन्स। और सेकेंडली हम लोग देखते हैं कि कई बार उनको ख़राब माल दे दिया जाता है, सरकार जो है वो अच्छा फूड ग्रेन जो है वो पीडीएस तक पहुंचाती है, बट पीडीएस के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो क्या करते हैं, अपना बेनिफिट प्रोवाइड करने के लिए अपने आप को, यानी कि करप्शन कोई हम लोग बोलेंगे इसमें, तो उसके चलते वो अच्छा माल जो है वो रिप्लेस करके वो ख़राब माल जो है वो लोगों को प्रोवाइड करा देते हैं। तो इससे क्या होता है, लोगों की हेल्थ जो है वो और ख़राब होती है, राइट। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि उसको और एफिशिएंट कैसे बनाया जाए, बट बिफोर दैट एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आया है, तो गाइस आपके माइंड में भी आ सकता है क्वेश्चन कि सरकार जो है वो इतना फूड वगैरह जो है वो क्यों प्रोवाइड करा रही है लोगों को, क्यों फूड के ऊपर फोकस कर रही है, न्यूट्रिशन के ऊपर स्पेशली फोकस कर रही है, यहाँ पर न्यूट्रिशन पर क्यों जोर डाल रहे हैं हम लोग, क्यों इतना पैसा सरकार खर्चा कर रही है, क्यों सब्सिडाइज रेट में, इतने सस्ते रेट में 1 रुपये, 2 रुपये और 3 रुपये के हिसाब से फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करा रही है। द रीज़न बीइंग इज गाइस इसमें सरकार का ही बेनिफिट है। कैसे सरकार का बेनिफिट है, बिकॉज कोई भी कंट्री नहीं चाहेगी कि उसके जो सिटीजन्स जो हैं वो बेसिकली अनहेल्दी हों
और इनएफिशियंट हो, क्योंकि अगर जो इंडिविजुअल जो होगा अगर वो अनहेल्दी होगा तो वर्क फोर्स लेबर फोर्स पर जो है वो कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा, और अगर कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करेगा तो सरकार को उसको फीड करना पड़ेगा रेस्ट ऑफ हिज और हर लाइफ. तो इवन गवर्नमेंट ऑल्सो डोंट वॉन्ट कि उनके जो सिटीजन हैं वो इनएफिशियंट हो और वो अनहेल्दी हो, बिकॉज अगर एफिशियंट और हेल्दी सिटीजन होंगे तो वो वर्क फोर्स पर और ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, और सेकेंडली कंट्री की जीडीपी बढ़ेगी और उससे कंट्री जो है वो डेवलप होगी, राइट. तो ये इसका मेजर फोकस होता है, इसलिए सरकार ये ऐसा कर सकती है. तो ये वाली पॉइंट भी आप मेंस में उपयोग कर सकते हैं. तो बताया जा रहा है कि इसकी एफिशिएंसी कैसी बढ़ाई जाए, तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाए राइट फ्रॉम द टाइम ऑफ परचेज ऑफ फूड ग्रेन टिल डिस्ट्रीब्यूशन, कि जैसे ही फूड ग्रेन्स को परचेज किया जाता है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसमें इन्वॉल्व रहती है, कि जैसे ही फूड ग्रेन्स को परचेज करती है फार्मर से, राइट, तो उसके बाद वो फूड ग्रेन कौन से स्टोर हाउस में, वेयर हाउसेज में जो है वो रखे गए हैं. इसलिए हमने देखा था कि जो ऑफिशियल्स हैं सेंट्रल वेयर हाउस के हम लोग को देखने को मिले थे, स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन और सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के जो ऑफिशियल्स हैं वो भी यहाँ पर इस मीटिंग में मौजूद है. क्यों? क्योंकि स्टोरेज इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कि जहाँ पर सामान स्टोर किया जा रहा है, फूड ग्रेन्स स्टोर किया जा रहे हैं, कहीं वो फूड ग्रेन्स सड़े तो नहीं है, राइट, वहाँ पर कहीं पेस्ट तो नहीं लग गया, प्रॉपर टेम्परेचर है कि नहीं है, राइट. तो ये सब चीज़ें भी ध्यान में रखी जाती है. तो यही बताया जा रहा है कि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मदद से इन सब चीज़ों को ट्रैक किया जा सकेगा, कि जब फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जब ग्रेन्स को परचेज करती है फार्मर से, और उसके बाद फिर जब लोगों तक डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, यानी कि टारगेटेड बेनिफिशरीज तक डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो उसका पूरा प्रोसीजर जो होना चाहिए वो ऑनलाइन होना चाहिए, जिससे कि हर एक स्टेप पर जो है वो पता लगे. और इसमें हम लोग एक और चीज़ इंक्लूड कर सकते हैं, बायोमेट्रिक्स. आज की डेट में आप देख रहे हैं बायोमेट्रिक्स का इतना ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है, आधार कार्ड में हमारी पूरी बायोमेट्रिक डिटेल्स है. तो जैसे ही जो बेनिफिशरी वहाँ पर जाए तो वो अपना अंगूठा लगाए, बायोमेट्रिक लगाए, और तब उसको फिर जो है वो सामान मिलना चाहिए. तो इस प्रकार से हम लोग जो है वो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सकते हैं, इस प्रकार की डिवाइसेस को इंस्टॉल करके, राइट. एंड इट विल इंक्रीज द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द एंटायर प्रोसेस. तो इससे ओवरऑल एफिशिएंसी भी हम लोग को देखने को मिलेगी, और ट्रांसपेरेंसी भी मेंटेन रहेगी, करप्शन नहीं होगा. यहाँ पर पीडीएस का जो ऑफिशियल होगा वो उल्लू नहीं बनाएगा सरकार को कि हमने तो दे दिया है, राइट. और इसमें इवन जो होना चाहिए जो वेइंग जो मशीन होती है वो भी सरकार के द्वारा वहाँ पर लगवानी चाहिए वेइंग मशीन, और समय समय पर उस वेइंग मशीन की मॉनिटरिंग की जानी चाहिए. और इवन ऐसा करना चाहिए, आज की डेट में इंटरनेट और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो हम लोग देख रहे हैं, आज की डेट में सब कुछ कनेक्टेड है, तो वो वेइंग मशीन जो है वो रियल टाइम बेसिस पर एक्जैक्टली सरकार को भी प्रोवाइड कराए, यानी कि उनके पास एक ऐसी मशीन होनी चाहिए जो कि रियल टाइम बेसिस पर, जैसे ही उस पर फूड ग्रेन रखे जा रहे हैं तो वो जो फूड ग्रेन रखे जा रहे हैं उसका वेट क्या है वो मेजर भी जो है वो करती रहे. कहाँ पर करती रहे? अपने पास एक डेटा स्टोर करती रहे, और वो डेटा जो है वो पूरा ऑनलाइन होना चाहिए, जो कि मिनिस्ट्री के अंडर होना चाहिए. तो इससे क्या होगा, इससे जो पीडीएस एम्प्लॉई जो होगा वो घबराएगा कि अरे यार मैं यहाँ पर अगर कम वेट करूंगा तो पूरा तुरंत इन्फॉर्मेशन उनके पास पहुंच जाएगी, बिकॉज टेक्नोलॉजी इज इंक्रीजिंग डे बाय डे. तो ऐसी टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल है एट प्रेजेंट, एंड वी जस्ट नीड टू यूज दैट टू इंस्टॉल दैट पर्टिकुलर डिवाइसेस. समझ में आ रहा है पूरी बात? तो ये हम लोग को करना है, एंड इट इज इंपेरेटिव दैट देयर इज अ सीमलेस फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन बिटवीन एफसीआई एंड स्टेट्स. तो पूरा ऑनलाइन होना चाहिए पूरी चीज़ें, राइट. एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन जो हो रही है वो पूरी ऑनलाइन होनी चाहिए, कि फूड ग्रेन्स कहाँ पे प्रोक्योर किया गया है, मतलब कहाँ से परचेज किया है, कहाँ पे रखा गया है, किस मंडी पे वो जा रहा है डिस्ट्रीब्यूट होने, किस डिस्ट्रीब्यूशन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पर वो जा रहा है जहाँ से वो लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा. तो एवरी पूरी जो चेन होनी चाहिए दैट शुड बी ऑनलाइन, और इसी के चलते अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी जो है वो मेंटेन हो सकेगी, वो इंश्योर की जा सकेगी. एंड देयर शुड ऑल्सो बी इन्फॉर्मेशन अबाउट क्वालिटी ऑफ फूड ग्रेन्स, की क्वालिटी कैसी है फूड ग्रेन्स की, उसकी भी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ परचेज. फीडबैक होने चाहिए जो फीडबैक होने चाहिए कि जो इंडिविजुअल लेके जा रहा है अपने पास फूड ग्रेन, वो नेक्स्ट टाइम फीडबैक दे कि हाँ यार उसको सही फूड ग्रेन मिला है, कहीं उसमें कोई पेस्ट नहीं थे या कहीं खराब नहीं था, वो सही मिला है. ऐसे फीडबैक्स भी अवेलेबल होने चाहिए, राइट. तो इससे अकाउंटेबिलिटी मेंटेन रहेगी. एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, वन नेशन वन राशन कार्ड, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देखो क्या होता है कि हर एक इंडिविजुअल जो होता है बिलो पॉवर्टी लाइन का, उसको जो राशन कार्ड प्रोवाइड किया जाता है, उस राशन कार्ड में मेंशन होता है कि आपको इस बस्ती के, इस क्लस्टर, इस बस्ती के, आपको यहाँ पे मौजूदा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से या शॉप से जो है वो आपको परचेस करना है. बट एक इंडिविजुअल जो है अगर वो माइग्रेट हो गया, कहीं चला गया दूर किसी और दूसरी जगह पर, राइट, एक अपनी बस्ती छोड़कर किसी और दूसरी बस्ती पे चला गया, किसी और शहर पे चला गया, बट उस शहर में जाकर फिर वो अपने राशन कार्ड का उपयोग नहीं कर सकेगा फूड ग्रेन्स को लेने के लिए. तो बताया जा रहा है कि इसको वन नेशन वन राशन कार्ड कर देना चाहिए. पूरे नेशन का राशन कार्ड ऐसा होना चाहिए कि एक इंडिविजुअल जो है बीपीएल, कहीं से भी बिलोंग करता हो पूरे इंडिया की टेरिटरी से, वो किसी भी राशन शॉप पर जाकर, पीडीएस शॉप पर जाकर अपना माल जो है वो परचेज कर सके. उसको जो है वो किसी एक ही पीडीएस शॉप से टाई नहीं करना चाहिए. इससे क्या होगा, इससे कई सारे बेनिफिशरी जो होते हैं गाइस उनको काफ़ी तकलीफ आती है, जो लोग माइग्रेट कर जाते हैं, जो लोग
दूसरे शहर में चले जाते हैं, समझ रहे हो मेरी बात को? तो ऐसे हम लोग को फायदा उठाना है एंड इसके कवरेज को एक्सपेंड करना है सभी स्टेट्स में, जो है वो इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ पीडीएस जो है वो होना चाहिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मदद से, कि सब लोग आपस में इंटरकनेक्टेड रहे और जो ओवरऑल अथॉरिटी जो होनी चाहिए चेक करने की, मॉनिटर करने की, वो डायरेक्टली मिनिस्ट्री के पास होनी चाहिए, समझ में आ रहा है? तो ये वाली बात यहाँ पर बताई गई, कौन सी मिनिस्ट्री के पास होनी चाहिए? तो अभी हम लोगों ने बात करी कि जो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो है श्री राम विलास पासवान, तो इनके अंडर कंट्रोल होना चाहिए, यूनियन मिनिस्टर के अंडर पूरा, और इवन स्टेट मिनिस्टर जो है होते हैं उनके पास भी इसका कंट्रोल होना चाहिए पूरी चीज़ें चेक करने का उनके पर्टिकुलर स्टेट और डिस्ट्रिक्ट की, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी जैसे ये भी ये हम लोग को देखने को मिला था ग्रीवियंस मैकेनिज्म, ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म जो है वो सेटअप किया गया, तो वहाँ पर भी पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ट्रांसपेरेंट बेसिस पर, कि वहाँ पर बैठे हुए ऑफिशियल भी जो है वो पूरी चीज़ें चेक कर सकें। इससे क्या होगा, जब इतने सारे लोग स्क्रीन्स पर पूरी चीज़ें रियल टाइम बेसिस पर चेक करते रहेंगे, तब वहाँ पर पीडीएस में जो मौजूदा जो एम्प्लॉय होगा वो करप्ट नहीं होगा, कर ही नहीं पाएगा क्योंकि उसको डर रहेगा। वाई इंश्योर फूड सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी को क्यों इंश्योर करना है, तो मैंने भी आपको बताई कि पूरी एक्सप्लेन किया था मैंने भी आपको, यही क्वेश्चन था इसका कि हमारे यहाँ जब सिटीजन जो होंगे वो हेल्दी रहेंगे तो वो बेहतर कंट्रीब्यूट कर पाएंगे हमारी जीडीपी पे, तो यू कैन यूज़ दीज पर्टिकुलर थिंग्स, है ना? तो ये बेसिक कंसेप्ट है फूड सिक्योरिटी का, टू इंश्योर दैट ऑल पीपल एट ऑल टाइम शुड गेट एक्सेस टू बेसिक फूड फॉर देयर एक्टिव एंड हेल्दी लाइफ एंड कैरेक्टराइज्ड बाय अवेलेबिलिटी एक्सेस यूटिलाइजेशन एंड स्टेबिलिटी ऑफ फूड, कि सबको मिलना चाहिए जिससे कि वो अपनी लाइफ हेल्दी बना सकें। बट इससे सरकार का क्या फायदा है, सरकार का क्या फायदा है वो मैं आपको बता चुका हूँ। दो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट हैव एनी एक्सप्लिसिट प्रोविजन, इंडियन हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ऐसा कोई आर्टिकल मौजूद नहीं है जो कि राइट टू फूड जो है वो प्रोवाइड करा सके हमारे सिटीजन को, बट बताया जाता है जो आर्टिकल 21 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का राइट टू, जिसमें अभी लाइफ जो हम लोग को देखने को मिलता है, तो बताया गया है कि राइट टू लिव विथ ह्यूमन डिग्निटी जो है उसके साथ इसको इंटरप्रेट किया जा सकता है, जिसमें इंक्लूड राइट टू फूड और दूसरे बेसिक नेसेसिटीज़ भी हैं। बट ये एक होना चाहिए कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू फूड जो है वो भी मेंशन करवाना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करते हुए, राइट, कि खाना खाना सभी का राइट है और न्यूट्रिशियस फूड जो है उसमें मेंशन करना चाहिए। तो ये था गाइस ओवरऑल पूरा टॉपिक इससे रिलेटेड, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे जल शक्ति अभियान के बारे में। व्हाट इज दिस गाइस जल शक्ति अभियान? तो ये एक कैंपेन है, किसका कैंपेन है, सेंटर का कैंपेन है। इट इज अ कैंपेन ऑफ सेंटर टू रैंप अप रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड कंजर्वेशन एफर्ट्स एंड 255 वाटर स्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम 1 जुलाई, यानी कि आज की तारीख से जो ये सेंटर का कैंपेन है आज की तारीख से हम लोग को देखने को मिलेगा कि कई सारे यहाँ पर आईएएस ऑफिसर्स वगैरह जो हैं, आईएएस ऑफिसर्स 255 सेंट्रल आईएएस ऑफिसर्स और ऑफ जॉइंट एंड एडिशनल सेक्रेटरी रैंक, तो ये सब लोग साथ में मिलकर इस कैंपेन को कंडक्ट कर रहे हैं जिसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग और वाटर कंजर्वेशन के ऊपर जो है वो प्रचार किए जा रहे हैं कि लोग बाग अपने घर में पानी बचाएं और रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जाए, बिकॉज अभी मानसून चल रहा है हम लोग को देखने को मिल रहा है, तो इस समय रेन वाटर हार्वेस्टिंग की आवश्यकता है कि लोग बाग जो है वो जो पानी जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग में हम लोग नहीं देखते कि पानी छत पर कलेक्ट हो रहा है उसको ग्राउंड वाटर तक भेजा जाए, तो ये पाइप जो है वो लगवाई जाए सभी के घर में, जिससे क्या होगा कि हमारा ग्राउंड वाटर जो है वो रिप्लेनिश होगा, दोबारा से जो है वो ऊपर होगा, कि ग्राउंड टेबल जो है ग्राउंड वाटर टेबल हमारा वो डिप्लीट होता हुआ जा रहा है, तो इस पर ये कैंपेन हम लोग को देखने वाले। तो जल शक्ति अभियान अगर क्वेश्चन आता है तो ये शुड नो कि एक सेंटर का एक कैंपेन है जिसके थ्रू रेन वाटर हार्वेस्टिंग और वाटर कंजर्वेशन के ऊपर फोकस किया गया है। इसका एम मैंने आपको बता दिया कि वाटर हार्वेस्टिंग कंजर्वेशन बोरवेल रिचार्ज एक्टिविटीज़ जो कि अभी हम लोग को ऑलरेडी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के थ्रू देखने को मिल रही है और इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री हम लोग को देखने को मिल रही है। तो यही बताया गया है कि ये जल शक्ति जो है ये एक कैंपेन है जहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग और वाटर कंजर्वेशन पर फोकस किया जा रहा है, लोगों के बीच में अवेयरनेस प्रोवाइड की जा रही है। एंड ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल वाटर कंजर्वेशन प्लान वुड बी ड्राफ्टेड, और डिस्ट्रिक्ट लेवल और ब्लॉक लेवल के प्लान्स जो है वो ड्राफ्ट किए जाएंगे, और किसान विज्ञान केंद्र जो है वुड होल्ड मेलास टू प्रमोट बेटर क्रॉप चॉइस एंड मोर एफिशिएंट वाटर यूज ऑफ इरीगेशन, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। किसान विज्ञान केंद्र क्या है गाइस? ये किसान विज्ञान केंद्र के थ्रू बताया जा रहा है कि मेला जो है वो लगाया जाएगा, फेयर लगाया जाएगा, जिसके माध्यम से प्रमोट किया जाएगा कि जो किसान जो है वो बेटर क्रॉप जो है वो लगा सकें जो कि कम पानी जो है वो उपयोग करें। इवन अभी हम लोग ने हरियाणा के बारे में भी बात करी थी कुछ समय पहले कि हरियाणा में हम लोग को जल ही जीवन है उस स्कीम का नाम था, जल ही जीवन है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था काफ़ी डिटेल में, जीवन GEEVAN जीवन है, जल ही जीवन है। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन स्कीम थी ये गाइस, जिसमें किसानों को बताया गया था कि जो पैडी क्रॉप्स जो होते हैं गाइस, जैसे कि राइस हो गया, वीट हो गया, तो इसको आपस में जो है वो रोटेट करने की जगह वेरियस डिफरेंट क्रॉप्स जो है वो लगाए जाएँ, जैसे क्योंकि क्या होता है कि राइस जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा पानी लेता है, राइट, जिसके चलते वहाँ की ज़मीन जो है हम लोग को देखने को मिल रहा है हरियाणा की
वहाँ पे जो ग्राउंड वाटर जो है वो डिप्लीट होता हुआ जा रहा है, और इवन जो सॉइल जो है वो भी खराब हो रही है. तो इस ये हम लोग को क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन जल ही जीवन है स्कीम हरियाणा की देखने को मिली थी, राइट. तो इसमें भी वाटर प्रोटेक्शन वाटर कंजर्वेशन की बात की गई. वैसे ही जो किसान विज्ञान केंद्र है गाइस, ये मेला प्रोवाइड करा मेला जो है वो होल्ड करेंगे, यानी कि फेयर लगाएंगे, जिसके थ्रू किसानों को बताया जाएगा कि उनको कौन से क्रॉप रखने हैं जिससे कि ग्राउंड वाटर टेबल जो है वो बरकरार रहे, मेंटेन रहे, और किस प्रकार से इरिगेशन का बेटर एफिशिएंट यूज़ करना है, राइट. अपने क्रॉप में पानी डालने का बेटर एफिशिएंट यूज़ करना है. समझ में आया आपको वाली पूरी बात? तो ये था गाइस ओवरऑल टॉपिक इससे रिलेटेड, जल शक्ति अभियान से रिलेटेड. अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग को ट्रैक चाइल्ड एंड खोया पाया देखने को मिल रहा है. ट्रैक चाइल्ड खोया पाया क्या है गाइस? ये एक वेब पोर्टल है, आपको पता होना चाहिए, एक वेबसाइट है ये दोनों, जिसको डेवलप किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा. नाम से जन में आ रहा है ट्रैक चाइल्ड खोया पाया, तो इसका मतलब क्या है, एम क्या है, कि जो मिसिंग और फाउंड चिल्ड्रन है, जो खोया और पाया, जो बच्चे जो मिसिंग हो गए हैं और जो बच्चे कहीं पर किसी को मिले हैं, तो इस वेबसाइट की मदद से लोग बाग जो है उन बच्चों को ट्रैक कर सकते हैं, और उनको अगर किसी को कोई बच्चा मिला है लापता लावारिस बच्चा, तो उसको उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन जो है वो उस वेबसाइट पे वो पुट कर सकते हैं, और उसके बाद फिर वो थाने ले जा सकते हैं उस बच्चे को नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, और फिर कार्रवाई की जाएगी. जो मिसिंग चाइल्ड जो है वो अपने पेरेंट को मिल जाए या अपनी फैमिली को मिल जाए, उस पर यहाँ पर फोकस किया गया है. और गाइज इंडिया की रिपोर्ट की अगर बात करें तो यू शुड नो कि हमारे यहाँ हर 8 मिनट में एक बच्चा जो है हर 8 मिनट में एक बच्चा मिसिंग हो जाता है, राइट. तो ये बताया जा रहा है कि उसी चीज़ों को सॉल्व करने के लिए खोया पाया और ट्रैक चाइल्ड नाम की वेबसाइट्स हम लोग को देखने को मिल रही है. मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा इसको डेवलप किया गया. इट इज़ इंप्लीमेंटेड इन एसोसिएशन विद वेरियस स्टेक होल्डर्स. कई सारे मिनिस्ट्रीज जो हैं और डिपार्टमेंट्स उनके साथ में मिलकर इस पर्टिकुलर दोनों वेबसाइट्स को जो है वो डेवलप किया गया है. एक है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज, जोवेनाइल जस्टिस बोर्ड एंड नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी. तो ये कुछ वेरियस स्टेक होल्डर्स हैं जिनके साथ में मिलकर इस पर्टिकुलर वेबसाइट को इम्प्लीमेंट किया गया है. ये वाली चीज़ हम लोग को देखने को मिल रही है. समझ में आ रहा है आपको ये वाला? तो ट्रैक चाइल्ड एंड खोया पाया अगर एग्जामिनेशन में आता है तो यू शुड नो कि एक वेबसाइट है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा डेवलप की गई है. गाइज अब डिस्कस करेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है G20 समिट. अभी रिसेंटली हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी G20 समिट के लिए गए हुए थे. कहाँ पर ये समिट हुई थी गाइज? तो ये ओसाका जापान में ये समिट हम लोग को देखने को मिली थी, ओसाका जापान, राइट. तो वहाँ पर गए हुए थे, अभी जो है वो फिलहाल वापस आ चुके हैं. तो ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है देखने लायक. तो देखिए, इट इज़ एन एनुअल मीटिंग ऑफ लीडर्स फ्रॉम द कंट्रीज विद द लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज. ये G20 के जो मेंबर्स हैं गाइस, बताया जाता है कि पूरी दुनिया भर का जो 85% जो GDP का है वो इन कंट्रीज़ का हम लोग को देखने को मिलता है. कितनी कंट्रीज है G20 समिट में गाइस? तो देखो, इसमें टोटल 19 कंट्रीज़ प्लस यूरोपियन यूनियन, राइट. इसलिए G20 बोला जाता है. टोटल 19 कंट्रीज़ हैं और यूरोपियन यूनियन को एज अ सिंगल बेसिकली यूनियन की तरह जो है उसको रखा जाता है. और यूरोपियन यूनियन में टोटल कितनी कंट्रीज हैं? तो 28 कंट्रीज़ को मिलाकर यूरोपियन यूनियन बना है, राइट. तो हम कह सकते हैं कि 19 + 28 इसमें टोटल कंट्रीज हम लोग को देखने को मिलती हैं. तो अगर इसमें क्वेश्चन आता है कि G20 में टोटल 20 कंट्रीज़ हैं, तो दैट स्टेटमेंट विल बी रॉन्ग. टोटल 20 कंट्रीज़ नहीं है, बिकॉज यूरोपियन यूनियन को एज अ सिंगल की तरह ट्रीट किया जा रहा है, सिंगल रिप्रेजेंटेटिव की तरह, एक सिंगल मेंबर की तरह, और यूरोपियन यूनियन में 28 कंट्रीज़ हैं. बट अगर क्वेश्चन आता है कि G20 समिट में 19 कंट्रीज प्लस यूरोपियन यूनियन है, तो दैट स्टेटमेंट विल बी करेक्ट. समझ में आया? तो ये वाला कन्फ्यूजन बिल्कुल मत रखिएगा अपने माइंड में. और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कंट्रीज़ हैं गाइस पूरी दुनिया भर की, ये लार्जेस्ट और फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्रीज़ हैं. ये टोटल दुनिया भर का 85% जो GDP होता है वो इन्हीं पर्टिकुलर G20 के मेंबर्स का हम लोग को देखने को मिलता है. और इसमें पूरी दुनिया भर की 2/3 पॉपुलेशन है. तो वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रुप जो है ये G20 का हम लोग को देखने को मिलता है. एंड इट्स फॉर्मली नोन एज समिट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स एंड द वर्ल्ड इकोनॉमी. दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. क्वेश्चन अगर आ जाएगा कि समिट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स एंड वर्ल्ड इकोनॉमी से रिलेटेड, तो कन्फ्यूज नहीं होना है, तुरंत पता होना चाहिए हम लोग को, अच्छा इसको G20 बोला जाता है, G20 का ये फॉर्मल नेम है, क्योंकि यही आपको UPSC उलझा देगी और मैं नहीं चाहता कि आप उलझो UPSC में. तो ये मैंने आपको बताई दिया कि इसमें 19 कंट्रीज और यूरोपियन यूनियन हम लोग को देखने को मिलती हैं. 2019 की ये समिट ओसाका जापान में हम लोग को देखने को मिली थी. तो देखो गाइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन में आ जाता है कि G20 समिट के आपको 5-6 कंट्रीज़ के नाम लिखे रहेंगे, और उसमें लिखा रहेगा कि बताइए कि ये 5-6 कंट्रीज़ जो है उनमें से G20 मेंबर्स की कंट्रीज़ कौन सी हैं. तो घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है आपको, क्योंकि आप मेरा लेक्चर देख रहे हो. मैं आपको ट्रिक भी देता हूँ जो मैं आपको पहले हमारे रेगुलर व्यूअर्स को दे चुका हूँ, तो ये बस याद रख लेना. गुरुजी सीता अब SSC FCI में काम करती है. FCI यानी कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया.
गुरुजी सीता अब एसएससी एफसीआई में काम करती है, तो काम करती है को यूज मत करना बस, बाकी एसएससी एफसीआई में तक का आपका पूरा ट्रिक है ये, जिसमें आपको जी देखिए गुरुजी का जे जे यू की बात करें, आर यू की अगर हम लोग बात करें, आर यू चलो ये ले लेते हैं, तो ये अच्छा ऐसे चल रहा है, जे यू आर यू, जर्मनी, यूएसए, रशिया, यूके, गुरु हो गया, जी जे आई जापान, इंडिया, एस गुरु जी सीता एस आई टी ए सीता, सऊदी अरेबिया, इंडोनेशिया, टर्की, ऑस्ट्रेलिया, ए बी अब अर्जेंटीना, ब्राज़ील, एस एस सी साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका, कनाडा, एफ सी आई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, फ्रांस, चाइना, इटली, मे एम ई मैक्सिको एंड यूरोपियन यूनियन। समझ में आया पूरी चीज़? ये देखो आप पूरा ये अगर आपको सिर्फ इतना पता होगा गुरुजी सीता अब एस एस सी एफ सी आई में काम करती है, तो आपको पूरी कंट्रीज़ के नाम पता होंगे इसके जी ट्वेंटी के। बहुत ईजी ट्रिक है, बस ये याद कर लो आप। अच्छा इसमें याद सिर्फ ये याद करने से काम नहीं बनेगा, अपने सामने बोर्ड होगा आपका, अगर आपने नहीं लगाया तो लगा लो एक बोर्ड खरीद के, मुश्किल से 300-400 रुपये का बोर्ड आएगा, और एक मैप, ये दो चीज़ तो आपके सामने लगी होनी चाहिए, सामने बोर्ड में लिख लो आप, या फिर एक A4 साइज का पेपर जो होगा उसको प्रिंट आउट करा लो ये पूरा, और उसको चिपका दो, क्योंकि आपको ये नाम याद रखना ज़रूरी है, ठीक है? अगर आपको नाम याद नहीं होंगे तो इट मे बी पॉसिबल आप एम में जो है वो मैक्सिको की जगह मंगोलिया लिख दो या कोई और दूसरी कंट्री का नाम लिख दो, राइट? तो आप लोग को बिल्कुल ये भी पता होना चाहिए, ट्रिक याद करने से नहीं है, इसको बार बार देखना, सिर्फ आप बार बार देखोगे अगर एक आधी हफ्ते तक, तो आपके ब्रेन के सबकॉन्शियस माइंड में जो है ये फीड हो जाएगी, ठीक है? फिर आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। समझ में आया पूरी बात? तो थोड़ा इसकी हिस्ट्री देखिएगा इस, तो आफ्टर द एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस इन 1997-1998 ये हम लोग को देखने को मिला था, इस समय एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा था, तो इट वॉज एक्नॉलेज दैट द पार्टिसिपेशन ऑफ मेजर इमर्जिंग मार्केट कंट्रीज इज नीडेड ऑन डिस्कशन ऑन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम। जो इमर्जिंग कंट्रीज जो थी जैसे कि इंडिया हो गई, चाइना हो गई, जो डेवलप होना शुरू हो गई थी, बिकॉज इस समय आपको पता होगा हम लोग बात करें 1997-98 से पहले 1991 में हमने अपनी इकोनॉमी जो है वो ओपन कर दी थी, आपको पता होगा LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये 1991 में ओपन हो गया था, दुनिया भर की MNCs के लिए हम लोगों ने दरवाज़ा खोल दिया था कि वो इंडिया में आकर जो है वो काम करना शुरू करें, तो ये हमारे लिए मजबूरी थी गाइस LPG को ओपन करना, क्योंकि हम लोग कभी नहीं चाह रहे थे, हमारी इकोनॉमी जो थी वो क्लोज थी, ओपन इकोनॉमी नहीं थी, हम लोग ने अपनी इकोनॉमी ओपन करी है 1991 में। मजबूरी क्या थी? बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, ये भी आपको पता होना ज़रूरी है, हम लोग इतने ज़्यादा नुकसान में जा चुके थे कि हम लोग जो है वो अपनी जनता को फीड नहीं करवा पा रहे थे, हमारे जो रिसोर्सेज जो है वो काफ़ी लिमिटेड हो चुके थे, हमारे यहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, बहुत इकोनॉमिक शटडाउन वाली स्थिति हमारे यहाँ डेवलप हो गई थी, तो उस समय इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने हमारा सपोर्ट किया, IMF ने जो है वो हम लोग को लोन प्रोवाइड किया कि हमारी इकोनॉमी स्टेबल चले, बरकरार रहे, बट IMF की कंडीशन एक थी, वो ये थी क्योंकि देखो लोन प्रोवाइड करा रहे हैं तो उसको रिकवरी चाहिए, तो वो ये जब ही प्रोवाइड कराएगा जब ये देखेगा कि सामने वाला मुझे पे बैक कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, तो इसने देखा कि इंडिया उस समय क्लोज्ड इकोनॉमी था, तो वो उसको IMF को अपनी इनकम को जनरेट करके नहीं पे कर सकता था, तो उसने बोला कि आपको अपनी इकोनॉमी को ओपन करना पड़ेगा, आपको दुनिया भर की MNCs के लिए दरवाजे खोलने पड़ेंगे, तो उसके बाद हम लोग को 1991 के बाद देखने को लगा कि काफ़ी सारे ब्रांड्स जो हैं वो एकदम से इंडिया में आ गए, तो 97-98 तक इंडिया की इकोनॉमी जो है वो डेवलप होने लगी, ग्रो होने लगी तेज़ी से, तो इंडिया एज अ इमर्जिंग मार्केट हम लोग को देखने को मिला, और इंडिया का सर्विस सेक्टर मार्केट जो है, आपको पता होगा कि सर्विस सेक्टर जो है वो सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करता है इंडिया की GDP में, राइट? एग्रीकल्चर के और इंडस्ट्रियल सेक्टर के बावजूद, क्योंकि हम लोग बोलते हैं इंडस्ट्री सेक्टर जो है जिसको हम लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के नाम से जानते हैं सेकेंडरी सेक्टर में, तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है गाइस बताया जाता है कि ये सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है एक कंट्री की GDP में, बट हमारे साथ उल्टा होने लगा, हम लोग जो है वो दूसरी कंट्रीज़ के लिए एज अ आउटसोर्सिंग इनपुट जो है वो बन चुके थे, कि दूसरी कंट्री हमारे यहाँ आउटसोर्स करवाया करती थी, हमारे यहाँ जैसे हम लोग को कई सारे BPOs वगैरह इंडिया में देखने को मिलते हैं कि दूसरी कंट्रीज़ का काम जो है वो इंडिया में हुआ करता था बिकॉज ऑफ द चीप लेबर, हमारे पास चीप लेबर थी, सस्ते में हमारे लेबर्स काम करने के लिए रेडी हो जाते थे, तो दैट इज़ द रीज़न, इसलिए काफ़ी सारी कंट्रीज़ ने हम लोग की लोकेशन को चूज़ किया और यहाँ पर इन्वेस्ट करना शुरू किया, तो इस समय हमारी कंट्री जो है वो डेवलप होना शुरू हो गई, इमर्जिंग मार्केट हम लोग को देखने को मिला, तो उस समय इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम जो था उसमें ऐसी कंट्रीज़ जो इमर्ज हो रही थी उनकी आवश्यकता थी, क्योंकि एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, एशिया में बहुत मेजर फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, तो इस समय पे क्या हुआ था कि द G7 फाइनेंस मिनिस्टर जो थे वो एग्री हुए थे कि G20 फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स जो हैं उनकी मीटिंग करवाई जाए 1999 में, तो जब ये 1999 में स्टार्टिंग में, आप ये बात समझना कि जब G20 जब बना था तो उस समय स्टार्टिंग में फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक के गवर्नर को ही बुलाया जाता था, उसके अलावा प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, ये इन सबको इन्वाइट नहीं किया जाता था, बट अब सिनेरियो चेंज हो गया,
जैसे जैसे हम लोग देख रहे हैं कि जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड में हम लोग एंटर करते जा रहे हैं, तो वैसे वैसे नीड आवश्यकता पड़ी कि यार यहाँ पर सिर्फ फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स की आवश्यकता नहीं है, हम लोग को और मेजर लेवल पर पॉलिटिकल लीडर्स की आवश्यकता है जो कि G20 का जो ऑब्जेक्टिव है उसको एक्सपेंड कर सकें, कि सिर्फ इकोनॉमी स्टेबलाइजेशन का उसको ऑब्जेक्टिव ना रखें बल्कि और भी वेरियस चीज़ की जो 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 रीजन है जो है, जो डेवलपिंग कंट्रीज जो है जहाँ पर 85% GDP जो कंट्रीब्यूट करती है और यहाँ पर 2/3 ऑफ वर्ल्ड की पॉपुलेशन एग्जिस्ट करती है, तो इसके लिए सिर्फ इकोनॉमी पर ही फोकस नहीं करना है, उसके जो ऑब्जेक्टिव है उसको एक्सपेंड करना है। दैट्स वाई यहाँ पर चेंज हुआ। फिर हम लोग को आज की डेट में हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो है, पॉलिटिकल लीडर हैं, हेड ऑफ गवर्नमेंट जो है, वो यहाँ पर गए विजिट करें, तो उसके बाद फिर एक्सपेंड करना शुरू किया। तो ये इस प्रकार से आपका पूरा लेबल होना चाहिए अपने मेंस एग्जामिनेशन में कि क्या हुआ पहले, फिर क्या हुआ, फिर क्यों आवश्यकता पड़ी कि फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक गवर्नर को चेंज करने की, है ना। तो क्योंकि पहले स्टार्टिंग में, इनिशियल में जब ये बात की गई थी इसकी G20 की, तो फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक के गवर्नर को ही बुलाया जाता था, बट अब ऐसा नहीं है। द ग्रुप हैज़ नो परमानेंट स्टाफ, इस ग्रुप का कोई परमानेंट स्टाफ नहीं है एट प्रेजेंट, और हर साल दिसंबर में, राइट, अ G20 कंट्री फ्रॉम अ रोटेटिंग रीजन टेक्स ऑन अ प्रेसिडेंसी। दिसंबर में G20 कंट्री जो है उसकी जितने भी रिमेनिंग मेंबर्स होते हैं रीजन बेसिस पर वो अपनी प्रेसिडेंसी लेते हैं, जैसे कि हम लोगों ने कल बात करी परसों के लेक्चर में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में, कि रीजनल बेसिस पर उसके जो होते हैं इलेक्शन वगैरह हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो वैसे ही रीजनल बेसिस पर इसके जो मेंबर्स होते हैं वो प्रेसिडेंसी लेते हैं, वो हेड करते हैं, लीड करते हैं, यानी कि चेयर, एज अ चेयर मेंबर कंट्री हम लोग को देखने को मिलती है, और वही कंट्री रिस्पॉन्सिबल होती है ऑर्गेनाइजेशन की नेक्स्ट समिट को होल्ड करने के लिए, राइट, और जो भी उसका खर्चा वगैरह आता है तो उसको मेंटेन करने के लिए, और सेकेंडली तो स्मॉलर मीटिंग्स वगैरह जो होती हैं आने वाले समय के लिए, तो उसको भी उसी पर्टिकुलर कंट्री के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है जो कंट्री हेड करती है। और इवन गाइज यहाँ पर ये क्या होता है कि जो नॉन मेंबर कंट्रीज जो होती हैं उनको भी एज अ गेस्ट बुलाया जाता है। क्या होता है कि जो जो मेंबर कंट्रीज जो होती हैं वो अपने साथ नॉन मेंबर कंट्रीज को भी यहाँ पर बुला सकती हैं, जैसे कि इंडिया जो है वो बिमस्टेक के मेंबर को बुलाता है, अपने आसपास के जो रीजन जो है गाइज उनके मेंबर्स को यहाँ पर बुलाता है, राइट, एज अ गेस्ट के तौर पर। और जो फर्स्ट G20 की मीटिंग हुई थी वो 1999 में हुई थी, जब इसका एस्टैब्लिशमेंट हम लोग को देखने को मिला था, ये हुआ था बर्लिन में, राइट, और ये ईस्ट एशिया फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद हम लोग को देखने को मिला था, एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस में 1997-1998 के बाद 1999 में इसकी पहली मीटिंग हुई थी। और कौन कौन इसकी मीटिंग अटेंड कर सकता है, तो मैंने आपको बताई है कि पहले जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स किया करते थे, बट अब जो है 2008 के बाद से हम लोग को देखने को मिला कि ये सिनेरियो चेंज हो गया, कई सारे बैंक्स जो हैं वो 2008 में कोलैप्स हो गए थे। यूएसए में आपको पता होगा कि 2008 में ऐसी स्थिति बन गई थी कि लोगों को जॉब से निकाल दिया गया था, बहुत ही बुरी प्रॉब्लम हो चुकी थी यूएसए की, राइट, जिसके कारण से अब यूएसए की प्रॉब्लम हुई, डॉलर्स वगैरह की प्रॉब्लम हम लोग को देखने को मिली, तो क्या हुआ कि पूरी दुनिया भर में एक फाइनेंशियल क्राइसिस जो है वो डेवलप हो गए थे, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, राइट, तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ना शुरू हो गई थी, वेजेस स्टैग्नेंट होना शुरू हो गए थे, तो इस समय समझ में आया कि इस ऑर्गेनाइजेशन को एज अ जो है वो इमरजेंसी काउंसिल फॉर प्रेसिडेंट्स एंड प्राइम मिनिस्टर में टर्न कर दिया, कि इसके स्कोप को और बढ़ाया जाए, सिर्फ इकोनॉमिक तक ही इसका स्कोप नहीं होना चाहिए बल्कि हम लोग वेरियस एक्टिविटीज़ को भी यहाँ पर डिस्कस कर सकें, जैसे कि डेवलपमेंट, क्लाइमेट चेंज, एनर्जी, हेल्थ, काउंटर टेररिज्म, तो माइग्रेशन और रेफ्यूजीज, तो ऐसे टॉपिक्स पर भी यहाँ पर डिस्कशन होना शुरू हो गया समय के चेंज होते हुए, राइट, और इसके क्या क्या मेंबर्स हैं तो मैं आपको काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन कर ही चुका हूँ, आप लोग को कभी आप भूलोगे नहीं, कि गुरुजी सीता अब एसएससी एफसीआई में काम करती है, तो बस ये बस याद रहेगा तो हो जाएगा पूरा, काम करती है को उसको यूज़ नहीं करना है, बाकी गुरुजी सीता अब एसएससी एफसीआई ये यूज़ कर सकते हो, उसमें पूरा आपको मिल जाएगा कंट्रीज़ के नाम, ठीक है। तो ये वाली बात हम लोग को यहाँ पर देखने को मिली, ग्लोबलाइजेशन के चलते, जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड जो है गाइस उसके चलते सब लोग आपस में इंटीग्रेट होने लगे, ग्लोबलाइजेशन हम लोग को तेजी से देखने को मिला और कई सारी प्रॉब्लम्स, कई सारे चैलेंजेस आने लगे, तो इसलिए फोकस सिर्फ इकोनॉमी के ऊपर नहीं रखा गया, इकोनॉमी और ट्रेड के ऊपर, बल्कि और भी ग्लोबल इश्यूज के ऊपर इन्होंने कर दिया। दोस्तों इसके अलावा शेरपा कौन होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, कि ये भी पूछा जा सकता है शेरपा, तो गाइस शेरपा उनके लिए यूज़ किया जाता है ये टर्म, जो कि पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं हेड ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट, यानी कि सिंपली तौर पर सेक्रेटरी। क्या होता है कि जो भी इंटरनेशनल सबमिट मीटिंग्स होती हैं गाइस, तो उसमें जो मेंबर कंट्री जो होती हैं वो अपने साथ जो है वो एक पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव लेके आती हैं, जो कि जो मीटिंग जब स्टार्ट होती है या फिर जब वो मीटिंग एंड होती है तो उससे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह की प्रोसेस होती हैं वो शेरपा के द्वारा की जाती है। जब ग्लोबल लीडर्स हैं उनकी मीटिंग शुरू होने से पहले शेरपा जो होते हैं वो वहाँ पर जाकर पूरा मैनेज करते हैं, यानी कि सेक्रेटरी टाइप का, कि एक जो मेंबर कंट्री जो है उसकी जो लीडर है वो अपने साथ एक सेक्रेटरी ला सकते हैं। और इस बार G20 समिट में हम लोग को देखने को मिला था, और ये भी याद रखिएगा ये 14th G20 समिट थी जिसमें
सुरेश प्रभु हम लोग को देखने को मिले थे जो कि मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन है हमारे, तो वो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी के शेरपा थे, यानी कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है उनको मीटिंग जब करनी थी तो उससे पहले जो सुरेश प्रभु जी जो थे गाइस, उन्होंने जाकर पूरे डॉक्यूमेंटेशन चेक किए कि प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंटेशन है कि नहीं है, पूरे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को क्या चीज़ बोलनी है, किस टॉपिक को रखना है, तो उससे रिलेटेड पूरे डॉक्यूमेंट्स है कि नहीं है, फैक्ट्स एंड फिगर्स वगैरह। और इसके अलावा जब मीटिंग खत्म हो, मीटिंग चलती भी है और मीटिंग इवन खत्म भी होती है, तो उस समय भी क्या क्या हो रहा है, तो उस पूरी चीज़ों को ऑब्जर्व करना और उससे रिलेटेड पूरे डॉक्यूमेंट्स अपने जो है वो मेंटेन करना, तो वो शेपरा का काम होता है। सो गाइज, ये है पूरा ओवरऑल टॉपिक G20 से रिलेटेड। आई होप कि आपको पूरी चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के बारे में बात करेंगे और G20 समिट में क्या हुआ है उससे रिलेटेड आने वाले समय में हम लोग एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे एक अच्छे, या फिर कोई अच्छी न्यूज़ आएगी तो उसमें मैं पूरे डिस्कस करवाऊंगा आपको। अभी के लिए G20 से रिलेटेड ये वाली चीज़ बस ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जो है वो क्या है, तो इट अलाउज डोनर्स टू पे और डोनेट टू पॉलिटिकल पार्टीज यूजिंग बैंक्स एज एन इंटरमीडिएटरी। तो जैसे अगर कोई इंडिविजुअल है, किसी को कोई पॉलिटिकल पार्टी काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो उन पॉलिटिकल पार्टीज़ में डोनेशन जो है वो दे सकते हैं यूजिंग बैंक के माध्यम से, ठीक है। जैसे कई सारे लोग हैं गाइस जो कि पॉलिटिकल पार्टीज जिसको वो पसंद करते हैं उसका नाम डिस्क्लोज करना नहीं चाहते। जैसे कि अगर आपकी बात करें, आप लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की, आप जो है वो एज अ ब्यूरोक्रेट बनेंगे आने वाले समय में जो कि जनता की सेवा करेंगे, राइट। तो उस समय आप जो है गाइस वो ओपनली डिस्क्लोज नहीं कर सकते कि आप किस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहे हो, बिकॉज अगर आप ओपनली डिस्क्लोज कर दोगे और इन केस कोई अपोजिशन पार्टी अगर पावर में आ गई, या अपोजिशन पार्टी के जो मेंबर्स वगैरह हैं जिसको आप सपोर्ट नहीं करते वो आ गए, तो उनके साथ आपकी सर्विस में काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इट्स बेटर कि आप लोग को तो स्पेशली जो है वो ब्यूरोक्रेट्स की जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको तो स्पेशली डिस्क्लोज करना ही नहीं चाहिए किसी भी हालत में कि वो कौन से पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं। यू हैव टू बी वेरी न्यूट्रल, बिकॉज आपका ऑब्जेक्टिव है जनता की सेवा करना, सिविल सर्वेंट है आप, जनता की सेवा करेंगे आने वाले समय में, तो मेन फोकस जनता की सेवा के ऊपर होना चाहिए कि जनता को जो बेनिफिशरी जो है उनको प्रॉपर जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं गवर्नमेंट के, राइट। जिस चीज़ के लिए आप अपॉइंट किए गए हैं उस चीज़ के लिए आपको स्पेशली पब्लिक के ऊपर फोकस करना है, ना कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर। सो पॉलिटिकल पार्टी पे अगर आप फोकस करेंगे और डिस्क्लोज कर देंगे कि आप कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं, तो इट विल बी वेरी ट्रबल फॉर यू, क्योंकि अगर अपोजिशन पार्टीज़ के जो मिनिस्टर्स होंगे, मेंबर्स होंगे, वो आपको पसंद नहीं करेंगे और उसके चलते आपकी सर्विस में बहुत प्रॉब्लम आएगी, वेरियस ट्रांसफर्स आपके हो जाएंगे और बहुत मुसीबत आ सकती है, राइट। तो ये एक विजनरी हर एक ब्यूरोक्रेट का होता है वैसे नॉर्मल तौर पे, आपको पता होगा। इसके अलावा बिजनेसमैन वगैरह जो होते हैं वो नहीं चाहते, वो जिस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं जो बड़े बड़े बिजनेसमैन, वो चुपचाप चाहते हैं कि उनका जो डोनेशन जो है, उनका जो अमाउंट है, वो उनकी पसंदीदा पॉलिटिकल पार्टी के पास ही जाए, क्योंकि अगर उनका डोनेशन, उनका अमाउंट किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास जाता है और किसी दूसरे इंडिविजुअल को पता लग जाता है, जैसे कि कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के किसी मिनिस्टर को, तो वो मिनिस्टर चाहेगा कि उसका बिजनेस जो है बंद हो, क्योंकि वो उसको पता है कि वो इनको सपोर्ट नहीं कर रहा, वो अपोजिशन को सपोर्ट कर रहा। तो इस प्रकार के जो केओस से बचने के लिए लोग अपनी प्राइवेसी जो है चाहते हैं कि उनकी प्राइवेसी मेंटेन रहे, कि लोगों को पता ना लगे, गुप्त रहे उनकी डिटेल्स, राइट। तो वो ये सब चाहते हैं। समझ में आया आपको मैंने जो समझाने की कोशिश करी, कि इसीलिए चुपचाप रहकर लोग हमेशा चाहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट करना। तो ऐसे लोग जो हैं जो कि प्राइवेसी अपनी मेंटेन करने के लिए किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट करना चाहते हैं बैंक के माध्यम के थ्रू, तो उनके लिए इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो बनाए गए थे। इसमें फ़ायदा ये होता है कि इसमें पेई का नाम जो है वो मौजूद नहीं होता, ना पेई का नाम मौजूद होता है, ना पेयर का नाम मौजूद होता है। यानी कि जैसे कि अगर बैंक्स के थ्रू जो है ये मिलता है इलेक्टोरल बॉन्ड, तो इसमें आप समझिए एक इंडिविजुअल बैंक जाता है, इलेक्टोरल बॉन्ड परचेज करता है, और इलेक्टोरल बॉन्ड जो होते हैं गाइस वो 1000, 10000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ के ही मल्टीपल्स में होते हैं। यानी कि इसमें ऐसा नहीं है कि वहाँ पर गए आप और आपने बोला 500 रुपये का इलेक्टोरल बॉन्ड देना तो आपको नहीं मिलेगा। तो आपको ये भी चीज़ पता होनी चाहिए फॉर प्रीलिम्स ऑल्सो, कि अगर प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन आ जाए जिसमें एक स्टेटमेंट में लिखा हो कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो 500 का मिल सकता है, तो नहीं, वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, बिकॉज 1000, 10000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ के मल्टीपल का ही होता है एंड बॉट फॉर एनी वैल्यू, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें पेई का नाम मेंशन नहीं होता और ना ही वो किस पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट करने वाला है उसका नाम भी मेंशन नहीं होता। इसमें फ़ायदा क्या होता है इससे, कि इससे किसी को भी पता नहीं लगता कि किसने जो है वो पेमेंट करी है और किसके पास पेमेंट पहुंची है, वो इवन बैंक को भी पता नहीं होता। बैंक के पास जाते हैं परचेस करने इलेक्टोरल बॉन्ड, बैंक जो है वो उनको एक पर्चा प्रोवाइड करा देती है, एक बॉन्ड प्रोवाइड करा देती है, डॉक्यूमेंटेशन, जिस डॉक्यूमेंटेशन में ना ही जो है वो डोनर का नाम लिखा रहता है, यानी कि उस इंडिविजुअल का नाम लिखा रहता है, क्योंकि बैंक जो है वो अपने पास तो डिटेल रख लेती है कि वो किसको ये जो बॉन्ड जो है वो कितने रुपए का दे रहे हैं, बट बैंक उस पर्चे पर ये मेंशन नहीं करती कि जो है वो इंडिविजुअल जो है वो कौन है,
जिसके द्वारा ये बॉन्ड खरीदा गया है, प्लस इस पर्चे पर किसी पॉलिटिकल पार्टी का भी नाम मेंशन नहीं होता। फिर ये जो इंडिविजुअल है, कोई भी बिजनेसमैन है या कोई भी है जो जो कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करता है, तो वो अपने अपने किसी दोस्त वगैरह को भेज सकता है कि जा भाई तू चले जा, या अपने किसी किसी को भी, यानी कि उसका कोई एम्प्लॉय होगा उसके ऑफिस का, तो उसको भेज सकता है वो कि जाओ जाकर उस पॉलिटिकल पार्टी के ऑफिस में जाकर ये इलेक्टोरल बॉन्ड दे दो, राइट। तो इसमें क्या फ़ायदा होता है कि इसमें ना किसी मंत्री को पता है कि किसके जगह से आया है, या किसी पॉलिटिकल पार्टी को पता है, और ना ही उस इंडिविजुअल की आइडेंटिटी डिस्क्लोज हुई है। बट बहुत सारे केसेस में एक लूपहोल हम लोग को ये भी देखने को मिलता है कि बहुत सारे केसेस में जो मिनिस्टर जो होता है जिसको ये बॉन्ड दिए जाते हैं, उनको पता होता है कि उनको कौन सपोर्ट कर रहा है, राइट। और इसमें एक नुकसान, एक बड़ा लूपहोल ये है कि कई सारे बिजनेसमैन जो होते हैं गाइस, अगर जो पॉलिटिकल पार्टी इन पावर जो होती है उसको जब वो डोनेशन देते हैं और वो पार्टी जो है वो जीत जाती है नॉर्मली, तो क्या होती है, जो पावर में जो पॉलिटिकल पार्टी होती है वो उस बिजनेसमैन का सपोर्ट करने लगती है, राइट, क्योंकि उन्होंने उनको डोनेशन दिया। तो ऐसे एक मेजर लूपहोल हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलता है, दैट यू कैन यूज इन योर मेंस एग्जामिनेशन, दैट इज द बिगेस्ट लूपहोल। क्योंकि इसमें देखो, इसने इलेक्टोरल बॉन्ड तो परचेज कर दिया, तो ये चाहे तो ये खुद भी वॉक करके इसके ऑफिस में जा सकता है, बट ये खुद जाएगा नहीं अगर ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन है तो, क्योंकि ये इसको पता है कि अगर किसी ने इसको जाते हुए देख लिया तो ये इसको बहुत बड़ा ट्रबल हो सकता है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें नॉर्मली मंत्रियों से इन लोग मिल लेते हैं आपस में, गाड़ियों में जैसे कहीं गए हैं या किसी पार्टी में मिलते हैं, तो चुपचाप बॉन्ड जो है वो पकड़ा देते हैं कि सर ये लीजिए। जिससे क्या होता है, जिस मंत्री को या जिस पॉलिटिकल पार्टी को ये बॉन्ड दिया जा रहा है, तो वो पॉलिटिकल पार्टी जो है उसका फेस देख लेती है कि अच्छा इसने हमें इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी दिया है कि इन फ्यूचर इनको फेवर हम रिटर्न करें। तो ऐसी जो चीज़ें जो हैं वो हमारे यहाँ चल रही हैं, तो ये इसका इलेक्टोरल बॉन्ड का भी एक मेजर लूप होल है। इसमें हम लोग बोलते तो हैं कि कौन किसको सपोर्ट कर रहा है ये पता नहीं लगता, बट ऐसा होता है, ये पता लग जाता है। समझ में आई आपको पूरी बात? अब देखो, ये बताया गया है, इट मे बी परचेज बाय एनी सिटीजन ऑफ इंडिया और एंटिटी इनकॉर्पोरेटेड और एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया। कोई भी सिटीजन, कोई भी खरीद सकता है इसको, कोई भी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो खरीद सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंडिविजुअल सिंगल भी खरीद सकता है, यानी कि खुद ब खुद इंडिपेंडेंटली खरीद सकता है, या फिर जॉइंटली भी खरीद सकते हैं कई सारे लोग मिलकर। और बात करें गाइस कि ये किस को दिया जा सकता है, किस पॉलिटिकल पार्टी को, तो ओनली रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज, जो पार्टी रजिस्टर्ड है उनको दिया जा सकता है। और जिस पर्टिकुलर पार्टी ने, यानी कि जिस रजिस्टर्ड पार्टी ने प्रीवियस लोकसभा इलेक्शन या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन में 1% वोट सिक्योर किए होंगे, तो जिस पार्टी ने 1% या उससे ज़्यादा वोट सिक्योर किए होंगे उसी को दिया जाएगा, और वो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी होनी चाहिए, और वो भी प्रीवियस इलेक्शन के दौरान। ऐसा नहीं कि चार टर्म पहले उन्होंने 1% वोट सिक्योर किए और फिर उनको आज मिल रहा, नहीं, प्रीवियस से इसको कैलकुलेट किया जाता है, तो वही पार्टी एलिजिबल होती है। और गाइज, ये बॉन्ड जो है वो कैसे हेल्प करेंगे गाइज, तो इसमें क्या होगा, इसमें ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहेगी, और इसमें ब्लैक मनी जो है उसका उपयोग नहीं होगा। इसमें क्या होगा कि एक इंडिविजुअल जो है, पहले के समय पे क्या हुआ करता था कि लोग बाग जो है वो कैश डोनेशन किया करते थे, राइट। तो कैश डोनेशन जो होता था वो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट, नॉन ट्रांसपेरेंट होता था, ट्रांसपेरेंसी नहीं उसमें होती थी कैश डोनेशन में। ब्लैक मनी का बहुत उपयोग किया जाता, तो ब्लैक मनी को कर्व करने के लिए इस प्रकार का जो क्लीन मनी सिस्टम जो है इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू वो शुरू किया गया है पॉलिटिकल डोनेशन के लिए, जिसमें इंडिविजुअल, कंपनी, रिलीजियस ग्रुप्स, चैरिटीज़ वगैरह जो होती हैं वो डोनेट कर सकती हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को, राइट। अब देखो, इसमें एक लूप होल तो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन कर दिया कि एक लूप होल जो है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को कोई फेवर कर रहा है वो डायरेक्ट बता भी सकता है कि मैंने आपको फेवर किया है। दूसरा लूप होल सुनिए आप गाइस, दूसरा लूप होल है, इसमें ब्लैक मनी को कर्व करने की तो बात करी है, बट इसमें कंप्लीटली ब्लैक मनी कर्व कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि कोई इंडिविजुअल डायरेक्टली जाकर कैश दे दे किसी मिनिस्टर को, कैश ब्लैक मनी, और वो कैश का उपयोग कैंपेनिंग के दौरान किया जाए, भीड़ वगैरह जो होती हैं, क्राउड्स वगैरह जो होते हैं उनको इकट्ठा करने के लिए, बिकॉज आप जानते हैं इसकी भीड़ जो होती है वो पैसों पर ही आती है, सभी लोगों को 500-500, 2000, 2000 रुपए दिए जाते हैं खड़े होने के लिए वहाँ पर और नारे लगाने के लिए, ये चीज़ होती है। और ये कैसे दिए जाते हैं? ब्लैक मनी के थ्रू, लो भाई लो लो लो, इसकी मॉनिटरिंग नहीं होती। तो यहाँ पर भी एक मेजर लूप होल, अकॉर्डिंग टू मी, मुझे ऐसा लगता है, मेरे ये दो लूप होल मुझे पर्सनली देखने को मिले जो मैंने आपको शेयर किए। आपको क्या लगते हैं, ये लूप होल वाकई में एग्जैक्टली है कि इसको काउंटर किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है, तो उसका नीचे कमेंट बॉक्स पे आप अपना सजेशन दीजिएगा कि ये जो लूप होल, जो दो लूप होल्स दिखाई दे रहे हैं उसको कैसे काउंटर करेंगे। क्योंकि देखो, अगर बैंकिंग सिस्टम की बात करें कि अगर बैंकिंग सिस्टम में यहाँ पर डायरेक्टली इलेक्टोरल बॉन्ड जब वो कोई इंडिविजुअल परचेज करेगा तो वो डायरेक्टली बैंक के अंदर वो पैसा जमा कराए और उस पॉलिटिकल पार्टी के अकाउंट में पैसे जमा करा दे, ऐसा भी पॉसिबल हो पाएगा। बट प्रॉब्लम ये कि जो इंडिविजुअल जो वहाँ पर जमा कराएगा किसी बैंक में, किसी पॉलिटिकल पार्टी में, तो उस बैंक के एम्प्लॉयज़ को पता लग जाएगा कि कौन जो है
वो किस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, तो उसकी क्या होगी, उसकी प्रिवेसी लीक हो जाएगी, तो ये पॉसिबल नहीं है एक तो, राइट और दूसरा मैंने आपको लूप होल बता ही दिया कि यहाँ पर डायरेक्टली कैश जो है वो प्रोवाइड किए जा सकते हैं, तो ये भी एक तरह का बॉन्ड जो है, हालांकि हाँ कुछ हद तक जो है ये बॉन्ड सही भी है, जैसे कि जो जेन्युइन लोग हैं जो कि जेन्युइनली किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं, मैंने अपनी आइडेंटिटी बताई और बिना किसी फेवर के कि वो पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी अच्छी अच्छा काम कर रही है पॉलिटिकल पार्टी और उनको कोई फेवर नहीं चाहिए, तब तक के लिए ठीक है। बट जब क्या, जब किसी इंडिविजुअल को फेवर चाहिए, किसी बिजनेस कंपनी को किसी पॉलिटिकल पार्टी का फेवर चाहिए, और ये तो होता ही है, हर एक इंडिविजुअल फ्री में तो कुछ नहीं करता, राइट, फ्री में तो कोई पैसे नहीं देता, आज की रेट ऐसी हो गई, आज का युग ऐसे ही चल रहा है, तो ये एक हम लोग को देखने को मिलती है इसमें। एंड सम एलिमेंट ऑफ ट्रांसपेरेंसी वुड बी इंट्रोड्यूस इन मच एज ऑल डोनर्स डिक्लेयर इन देयर अकाउंट्स द अमाउंट ऑफ बॉन्ड्स दैट दे हैव परचेस्ड एंड ऑल पार्टीज डिक्लेयर द क्वांटम ऑफ बॉन्ड्स दैट दे हैव रिसीव्ड। तो इसमें ये होता है कि सभी पार्टीज को डिक्लेयर करना पड़ता है कि उनको कितना बॉन्ड्स, इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो रिसीव हुआ है, और जो इलेक्टोरल बॉन्ड परचेज करता है तो ऑब्वियसली बात है बैंक के थ्रू परचेज कर रहा है, तो उसका पूरा मतलब रिकॉर्ड जो होगा वो पता लगेगा कि उसने इतना खर्च किया है कि पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट करने के लिए। बट हाँ, उसमें मेंशन नहीं होता कि किस पॉलिटिकल पार्टी को ये डोनेट कर रहे हैं, बट दैट इज़ मेंशन कि वो कितना अमाउंट डोनेट कर रहे हैं। तो ये एक ट्रांसपेरेंसी यहाँ पर मेंटेन रहती है, बट फिर भी ब्लैक मनी का अगेन उपयोग तो होता ही है, तो उसको कैसे कर्व करें, मैं चाहता हूँ कि आप अपने सजेशन जो है वो नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखकर बताइएगा। तो ये था गाइस इससे रिलेटेड पूरा ओवरऑल टॉपिक इलेक्टोरल बॉन्ड से रिलेटेड, आई होप कि आपको पूरी चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं इंटरनेशनल सीड टेस्टिंग एसोसिएशन के बारे में, राइट। सीड टेस्टिंग नाम से क्या हो रहा है, बीज को टेस्ट करने का ये एसोसिएशन है, टेस्ट होता है बीज वगैरह जो होते हैं किसानों को, जो बीज वगैरह दिए जाते हैं तो उनको टेस्ट करने का ये एसोसिएशन है। तो ये फाउंड कब हुआ था, 1924 में। इसका एम क्या था, टू डेवलप एंड पब्लिश स्टैंडर्ड प्रोसीजर इन द फील्ड ऑफ सीड टेस्टिंग। सीड टेस्टिंग में क्या स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, क्या प्रोसीजर्स होने चाहिए, सीड टेस्टिंग के क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सीड की टेस्टिंग होनी चाहिए, तो उससे रिलेटेड पूरे रूल्स, रेगुलेशंस, प्रोसीजर्स जो है वो इसके द्वारा बनाए जाते हैं, ISTA के द्वारा। ये एक एसोसिएशन है लेबोरेटरीज का, लैब्स का, जो कि ऑथराइज लैब होती हैं, जिनमें चेक किया जाता है कि जो सीड जो है वो मार्केट में बेचने लायक है कि नहीं है, और कहीं वो जो सॉइल वगैरह है उसको ख़राब तो नहीं कर देगी, कहीं हार्म तो नहीं होगा वहाँ पे रहने वाले लोगों को उस सीड के बाद जब प्लांट निकलेगा उसको कंज्यूम करने के बाद, राइट। तो ये पूरी चीज़ जो है वो यहाँ पर डिफाइन की जाती है, और वेरियस कंट्रीज़ के लॉज जो है वो उसके द्वारा बनाए जाते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर है ये सीड टेस्टिंग एसोसिएशन। एंड द टेस्ट रिजल्ट्स आर सर्टिफाइड बाय ISTA मेंबर लेबोरेटरीज, आर एक्सेप्टेड बाय द ट्रेडिंग पार्टनर्स ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरनेशनल सीड ट्रैफिक। इवन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है गाइस, उनके ट्रेडिंग पार्टनर्स के द्वारा इसको एक्सेप्ट किया जाता है, इनके रिजल्ट्स को, ISTA जो सर्टिफाइड लैब के द्वारा जो भेजा जाता है, जो कॉपीज़ वगैरह भेजी जाती हैं इनको, जो एक सीड जो होती हैं उसके टेस्ट रिजल्ट्स जो भेजे जाते हैं, तो उसको जो होती है गाइस वो बेसिकली सर्टिफाइड होती है, और उसको बेसिकली वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भी एक्सेप्ट किया जाता है। तो इंटरनेशनल लेवल पर इसको जो है वो काफ़ी ज़्यादा ऑथेंटिक माना जाता है सीड के मामले में, समझ में आई पूरी बात। तो ये वाली बात हम लोग को यहाँ पर देखने को मिल रही है, और ये न्यूज़ में क्यों थी गाइस, क्योंकि अभी इसकी 32nd कांग्रेस जो मीटिंग जो है वो हम लोग को हैदराबाद में देखने को मिलने वाली है, और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर और तेलंगाना गवर्नमेंट जो है गाइस ये इस कॉन्फ्रेंस को जो है वो होस्ट कर रहे हैं। तो ये वाली बात हम लोग को यहाँ पर देखने को मिली, और वेरियस कंट्री के स्टेक होल्डर्स जो है वो यहाँ पर अटेंड करेंगे इस मीटिंग को, 32nd कांग्रेस, ये हम लोग को ISTA की देखने को मिली। दोस्तों, अब स्मार्ट पुलिसिंग के बारे में डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। तो देखिए, ये जो स्मार्ट पुलिस का जो कंसेप्ट है, ये हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने अपने प्रीवियस जो टेन्योर था उस पर उपयोग किया गया था। 2014 में उन्होंने पहली बार स्मार्ट पुलिस फोर्स के बारे में बात करी थी, और अगर आप इस स्मार्ट पुलिस फोर्स का फुल फॉर्म, अगर यानी कि स्मार्ट का फुल फॉर्म अगर आप याद कर लो, तो आप कई सारे जो क्वेश्चंस आ जाते हैं पुलिस वगैरह से रिलेटेड, पुलिस रिफॉर्म वगैरह से रिलेटेड, तो उसमें आप मेंशन कर सकते हो। तो देखो, इसमें स्मार्ट का मतलब है एस से स्ट्रिक्ट एंड सेंसिटिव, एम से जो है वो है मॉडर्न एंड मोबाइल, ए से जो है अलर्ट एंड अकाउंटेबल, आर से जो है रिलायबल एंड रिस्पॉन्सिव, टी से है टेक्नो सेवी एंड ट्रेंड। तो हमारी पुलिस को जो है वो स्मार्ट बनना है, तो स्मार्ट का मतलब एकदम नहीं बिल्कुल चतुर टाइप का, ऐसा नहीं, इसमें चतुर भी है कि हमारी पुलिस कितनी स्ट्रिक्ट है, सेंसिटिव है, मॉडर्न है, मोबाइल है, यानी कि कितनी मॉडर्न है, कितना टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रही है, वो टेक्नो सेवी है, और कितनी ट्रेंड है हमारी पुलिस, कितनी अलर्ट रहती है, कितनी अकाउंटेबल है, राइट, कितनी रिलायबल है, कितना आप उस पुलिस पे भरोसा कर सकते हो, कितनी रिस्पॉन्सिव है। तो ये स्मार्ट पुलिस जो है वो बनाना है, तो ये फोकस किया गया कि हमारी पुलिस जो होनी चाहिए वो स्मार्ट पुलिस होनी चाहिए। इन्होंने बात करी थी, 49th एनुअल कॉन्फ्रेंस हुई थी डायरेक्टर्स जनरल एंड इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की,
गुवाहाटी में हुई थी ये 2014 में, तो उस समय उन्होंने स्मार्ट पुलिस का जिक्र किया था, राइट। तो उसके बाद क्या होना शुरू हुआ गाइस कि उसके बाद हम लोग को देखने को मिला कि क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो सर्वे करवाने लगी पुलिस स्टेशन के, और यहाँ पर इन्होंने बताया जा रहा है कि एट प्रेजेंट 87 पुलिस स्टेशन को शॉर्टलिस्ट किया गया पूरी कंट्री में से, और सर्वे किया गया और उसके बेसिस पर रैंकिंग प्रोवाइड करी पुलिस स्टेशन की कि कौन सी पुलिस स्टेशन जो है वो स्मार्ट पुलिस फोर्स है वहाँ की, किस पुलिस स्टेशन की। और इसमें पैरामीटर्स जो अवेलेबल थे वो थे परफॉर्मेंस एंड कंट्रोलिंग क्राइम, कि क्राइम को कंट्रोल करने में के ऊपर कैसा परफॉर्मेंस है पुलिस का, और वहाँ पर पुलिस स्टेशन जो है, पुलिस बिल्डिंग जो है उसमें कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर लगा हुआ है, क्या क्या फैसिलिटीज़, क्या क्या सर्विसेज हैं, साथ ही साथ मैस एंड ऑप्टिमल यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का कितना उपयोग किया जा रहा है पुलिस स्टेशन में, सिटीजन्स फीडबैक कि वहाँ पर इस पैरामीटर में वहाँ पर जो आसपास के जो क्षेत्रीय निवासी यानी कि जो सेक्टर जो होता है, क्षेत्र जो होता है उसका एक पुलिस स्टेशन होता है हर एक क्षेत्र का, राइट। तो उस जो पुलिस स्टेशन का जो दायरा है उस क्षेत्र का, तो वहाँ के वहाँ पर रहने वाले निवासियों से सर्वे करवाया गया, उनसे उनके फीडबैक लिए गए कि आपकी पुलिस जो है वो कैसी है। तो इन सब चार बेसिकली पैरामीटर्स के ऊपर बेस जो है वो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने सर्वे किया स्मार्ट पुलिसिंग के ऊपर, और उन्होंने सर्वे के दौरान पाया कि जो महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र की रहमतपुर पुलिस स्टेशन जो है सतारा डिस्ट्रिक्ट में जो अवेलेबल है वो महाराष्ट्र का टॉपर पुलिस स्टेशन है स्मार्ट पुलिसिंग कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड। तो स्मार्ट पुलिस फोर्स है यहाँ पे महाराष्ट्र के रहमतपुर पुलिस स्टेशन की, और पूरी इंडिया की, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूरे इंडिया का कालू पुलिस स्टेशन है जो कि राजस्थान के बीकानेर में है, ये टॉप नंबर पर है स्मार्ट पुलिसिंग फोर्स में, यानी कि यहाँ पर जो पुलिस जो है वो स्मार्ट पुलिस है अकॉर्डिंग टू मिस्टर मोदी जी कंसेप्ट। और इसके अलावा यहाँ पर स्मार्ट पुलिस इसलिए बना क्योंकि यहाँ पर कई सारी फैसिलिटीज़ हैं, इवन पुलिस पर्सनल्स के लिए कई सारी फैसिलिटीज़, मनोरंजन की फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ हैं कि वो जो है वो एंटरटेन कर सकें, यानी कि पुलिस को बर्डन ना हो किसी चीज़ का, वो दूसरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो सकें, अपने माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स कर सकें, तो उससे रिलेटेड यहाँ पर कई सारी सर्विसेज अवेलेबल हैं। सेकेंडली वुमेंस के लिए हेल्प डेस्क है यहाँ पर, कि अगर कोई वहाँ क्षेत्रीय निवासी कोई महिला जो है उसको कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए हेल्प डेस्क बनाया गया है, वाईफाई सर्विसेज यहाँ पर अवेलेबल है, राइट, पुलिस स्टेशन में। तो काफ़ी स्मार्ट पुलिस स्टेशन, और यहाँ की फोर्स जो है वो काफ़ी ट्रेंड पुलिस फोर्स है, ट्रेंड है, रिलायबल है, लोग उन पर भरोसा कर सकते हैं, तो अच्छी पुलिस फोर्स है यहाँ की, तो इसीलिए कालू पुलिस स्टेशन का नाम यहाँ पर देखने को मिला है। बाकी मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू से यू कैन यूज़, अगर याद रहे तो कालू पुलिस स्टेशन यूज़ कर सकते हैं, बाकी स्मार्ट तो याद कर लो क्योंकि ये आपको बहुत फ़ायदा देगा कई सारे आंसर्स में, अगर पुलिस से रिलेटेड कोई आंसर आता है तो उसमें आपको ये, आप ये मेंशन कर सकते हो। और दूसरे ये चार तो मेजर पैरामीटर्स हैं क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के, उसी के ऊपर बेस्ड ये सर्वे ये बनाती है, और इसके अलावा और भी पैरामीटर्स हैं कि अप्रोच और डिसिप्लिन क्या है वहाँ के पुलिस की, कहीं वहाँ का पुलिस वाले ही तो नहीं है ऐसे जो उत्पात मचाने, जैसे अक्सर हम लोग देखते हैं कि अगर पुलिस वाले जो होते हैं वो अपने वर्दी का गलत उपयोग करते हैं, तो ऐसी तो नहीं है। स्टोरेज ऑफ मैनुअल रिकॉर्ड्स इन पुलिस स्टेशन, पूरा रिकॉर्ड रख रही है पुलिस की नहीं रख रही है, राइट, मैनुअल रिकॉर्ड यानी कि हाथों से, आप देखते होंगे अगर आपने को कभी मौका मिला होगा पुलिस स्टेशन में जाने का तो आप देखते होंगे वहाँ पर एक डिवाइस होती है जहाँ पर टोटली एक पुलिस वाला बैठा होता है, उस डिवाइस में जो भी बातें होती रहती हैं वो रिकॉर्ड करता रहता है, लिखता रहता है, राइट, जो सबके पास वॉकी टॉकी नहीं होता सभी पुलिस ऑफिसर्स के पास, तो उसमें वो क्या मैसेज जा रहा है, किस को ऑर्डर दिया है, किसके पास ऑर्डर आया है, तो पूरी चीज़ जो है वो रिपोर्ट यहाँ पर रिकॉर्ड होता है, तो ये प्रॉपर तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा। और इवन जो SHO जो होते हैं, जो थाना इंस्पेक्टर होते हैं, स्टेशन हेड ऑफिसर जिनको बोलते हैं हम लोग SHO, तो वो पूरे थाने की बजटरी प्रोसेस जो है वो रिकॉर्ड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कि थाने में कितना पैसा लग रहा है और किस किस के लिए लग रहा है, और वाकई में उसी चीज़ के लिए थाने में पैसा लग रहा है, यानी कि CCTV के लिए जो है वो पैसा अलॉट किया है, तो क्या वाकई में थाने में CCTV आया है कि नहीं आया, और प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो पूरी बजटरी प्रोसेस जो होती है वो SHO जो रिकॉर्ड करते हैं, तो प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, डिक्लेयर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, तो ये सब चीज़ें भी यहाँ पर नोटिस की जाती है, और फिर उसके बाद फिर ये बनाया जाता है स्मार्ट पुलिसिंग का, जो हम लोग को देखने को मिलता है सर्वे जो है, उसके बाद रैंकिंग दी जाती है, अलॉट की जाती है रैंकिंग अलग अलग पुलिस स्टेशंस को। समझ में आई पूरी बात? तो ये था गाइस स्मार्ट पुलिसिंग से रिलेटेड टॉपिक। दोस्तों अब इस न्यूज़ की बात करें तो देखिए एक एग्रीमेंट जो है, मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, ये साइन किया गया है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर के बीच में। तो ये खड़गपुर याद रखिएगा, आपसे ये खड़गपुर पूछा जा सकता है कि कौन से IIT ने सेंटर फॉर इनलैंड एंड कोस्टल मैरीटाइम टेक्नोलॉजी जो है वो सेटअप करने की बात करी है, और उसके लिए यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग से एक एग्रीमेंट किया है, तो यह है IIT खड़गपुर। तो IIT खड़गपुर में हम लोग को CICMT देखने को मिलेगा, सेंटर फॉर इनलैंड एंड कोस्टल मैरीटाइम टेक्नोलॉजी। तो क्या है गाइस? तो ये बताया जा रहा है कि एक स्टेट ऑफ आर्ट सेंटर होने वाला है जो कि साबरीमाला प्रोग्राम के तहत जो है वो सेटअप किया जा रहा है। तो इस सेंटर में क्या होगा गाइस? तो ये बताया जा रहा है कि ये सेंटर जो है वो फोकस करेगा शिप को डिज़ाइन करने के ऊपर,
कि कोस्टल एरियाज के लिए और इनलैंड वाटरवेज के लिए कौन से शिप जो है वो बनाए, क्योंकि देखिए आज की डेट में फोकस क्या किया जा रहा है कि हम लोग अपने रिवर्स का भरपूर उपयोग कर सकें लॉजिस्टिक्स के लिए भी, यानी कि सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए, शिपिंग के लिए, राइट, और इवन ट्रैवलिंग के लिए भी। जैसे कल की न्यूज़, परसों की न्यूज़ में हम लोग ने डिस्कस किया था यमुना टैक्सी प्रोजेक्ट के बारे में कि यमुना नदी के ऊपर हम लोग जो है वो एक ऐसे छोटे वेसल्स जो है, छोटी छोटी शिप्स वगैरह जो है, शिप नहीं बोलेंगे एक्जैक्टली उनको, वेसल ही बोलेंगे, एक तरह की छोटी टैक्सी जो है वो हम लोग बना रहे हैं रिवर्स के लिए हमारे, कि जहाँ पर जिस टैक्सी का उपयोग करके एक सिटी से दूसरी सिटी तक लोगों को पहुँचाया जा सके। जैसे कि हम लोग रोड्स का उपयोग करते हैं, एयरवेज का उपयोग करते हैं, राइट, और इसके अलावा हम लोग कहीं हम लोग को ट्रैवल करना रहता है तो ट्रेन्स वगैरह में हम लोग जाते हैं, रेल का उपयोग करते हैं, रेलवेज, तो रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज का हम लोग उपयोग करते हैं। वैसे ही हमारे पास पोटेंशियल है, हमारे पास बड़ी बड़ी नदियाँ हैं जिनको हम लोग ट्रैवलिंग पर्पज़ के लिए भी उपयोग कर सकते हैं, तो उसके लिए आज की डेट पर काम चल रहा है। और इसके लिए IIT खड़गपुर जो है वो इस प्रकार का कोस्टल एरियाज़ पर कौन सी शिप का उपयोग किया जाएगा, इनलैंड वाटरवेज के लिए कौन कैसी शिप होंगी उनके डिज़ाइन पर फोकस कर रही है, वो उस शिप को बनाने के लिए किस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाएगा, उस शिप का स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसका स्ट्रक्चरल डिज़ाइन, राइट, क्रायोजेनिक कार्गो हैंडलिंग, क्योंकि हम लोग लॉजिस्टिक्स पर भी फोकस कर रहे हैं। तो आपको पता होगा कि गाइस आपने देखा होगा कई सारी मूवी पे जो पोर्ट्स वगैरह होते हैं वहाँ पर बड़े बड़े जो टैंकर्स होते हैं इस प्रकार के, जिसको क्रेन वगैरह के द्वारा होल्ड किया जाता है, राइट, और फिर उनको शिप में रखा जाता है और फिर शिप से उनको उतारा जाता है। तो ऐसी जो बड़े बड़े जो टैंकर्स होंगे तो उसको कैसे हैंडल करना है इस पर्टिकुलर कार्गो को, तो उस पर काम किया जाएगा यहाँ पर IIT खड़गपुर के द्वारा। ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसा होना चाहिए, लॉजिस्टिक्स कैसा होना चाहिए, उस पर काम करेगी। रिन्यूएबल एनर्जी हार्वेस्टिंग की इस पर्टिकुलर यहाँ पर जो शिप्स वगैरह होंगी वो यानी कि सोलर एनर्जी के थ्रू या विंड एनर्जी या वाटर एनर्जी के थ्रू जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू अपनी पावर जनरेट कर सकें, तो ऐसी शिप पर भी बनाने का फोकस किया जा रहा है, ऐसे डिज़ाइन करने की बात की जा रही है। जैसे हमने बात नहीं करी थी कि अभी चेन्नई में बहुत ही जल्दी हम लोग को पहली सोलर पावर्ड शिप नहीं बोलेंगे वेसल जो है वो देखने को मिलने वाला है बहुत ही जल्दी, इंडिया का खुद के द्वारा बनाया गया। तो ये वाली बात यहाँ पर बताई जा रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कैसे उपयोग करना है IIT खड़गपुर बताएगी कि इन सब चीज़ों के लिए। और मैरीटाइम ऑपरेशन को ऑटोमेशन करना है, यानी कि जो हमारा जो इनलैंड वाटरवेज जो हैं तो वहाँ पर जो वेसल्स वगैरह जो हैं, शिप्स वगैरह जो हैं, छोटी छोटी बोट्स वगैरह जब आएंगी तो वहाँ पर ट्रैफिक जो है वो कितना हो रहा है, ट्रैफिक को कैसे मैनेज करना है, क्योंकि इसके बाद ट्रैफिक मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर जो है वो पार्किंग के लिए प्रॉपर वेसल्स हैं कि नहीं, प्रॉपर स्पेस भी है कि नहीं है पोर्ट एरियाज़ वगैरह पर, या फिर इनलैंड वाटरवेज जो है हम लोग को देखने को मिलते हैं तो इनलैंड पोर्ट्स जो है रिवर्स वगैरह के, तो वहाँ पर इस प्रकार का स्ट्रक्चर डिज़ाइन करने की बात की जा रही है। और इसको डिज़ाइन करते हुए इसको ऑटोमेट करने की बात की जा रही है, पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम हो और जिससे कि किसी भी प्रकार का केओस वहाँ पर ना हम लोग को देखने को मिले, तो ये सब यहाँ पर फोकस किया जा रहा है, राइट। तो ये है गाइस CICMT जो कि IIT खड़गपुर को दिया गया है, जहाँ पर IIT खड़गपुर जो है ये काम कर रही है इन सब चीज़ों के ऊपर। दोस्तों अब डिस्कस करेंगे सिस्टर सिटी एग्रीमेंट के बारे में। तो सबसे पहली बात तो आपको ये पता होनी चाहिए कि ये सिस्टर सिटी एग्रीमेंट किन दो कंट्रीज़ के बीच में हुआ है, तो जापान और इंडिया के बीच में हुआ है। इस पर्टिकुलर सिस्टर सिटी एग्रीमेंट में किस सिटी को रखा गया है, तो इंडिया की अहमदाबाद सिटी जो कि गुजरात में है और जापान की कोबे नाम की सिटी को यहाँ पर रखा गया है। तो कोबे और अहमदाबाद के बीच में ये सिस्टर सिटी एग्रीमेंट हुआ है। इसके थ्रू ये दोनों जो सिटीज़ हैं गाइस यहाँ पर बिजनेस, एकेडमिक और कल्चरल अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह जो है उसको एनहेंस करने की बात की जा रही है, प्रमोट करने की बात की जा रही है, राइट। तो ये वाली बात यहाँ पर बताई जा रही है। और ये दोनों सिटीज़ की अपनी अलग ही इंपॉर्टेंस है। तो अगर हम लोग इंडिया की अहमदाबाद की बात करें गाइस, तो इंडिया की अहमदाबाद जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज सिटी है। बहुत इंपॉर्टेंट जो ये चीज़ है तो आपको याद रखना ज़रूरी है कि अहमदाबाद जो है उसको इंडिया की फर्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज सिटी के नाम से जाना जाता है। और वहीं अगर कोबे की बात करें तो कोबे जो है वो एशिया की क्रिएटिव डिज़ाइन सिटी है। तो इन दोनों सिटीज़ के बीच में एग्रीमेंट हुआ है और ये दोनों सिटीज़ जो है वो आपस में मिलकर वेरियस अपॉर्चुनिटीज़ को जनरेट करेंगी इस एग्रीमेंट के तहत, राइट, मिलकर। तो दो इंडिया और जापान का ये एक सिस्टर सिटी एग्रीमेंट हम लोग को देखने को मिल रहा है। दोस्तों अब हम लोग डिस्कस करेंगे फोर्टिफाइड राइस के बारे में। तो सबसे पहले तो ये टर्म हम लोग समझते हैं कि ये फोर्टिफिकेशन क्या होता है। तो गाइस ये बताया जाता है कि जो फूड है, जो खाना जो है, उसमें डेलिबरेटली एक्स्ट्रा एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को ऐड करने की प्रोसेस जो होती है उसको फोर्टिफिकेशन बोला जाता है। जैसे कि एक बात करें फोर्टिफाइड राइस का, जो ये टॉपिक हम लोग को देखने को मिल रहा है, तो ये चावल हम लोग को देखने को मिलता है नॉर्मली, तो बताया जा रहा है कि ये ऐसी प्रोसेस है जिसमें चावल में एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट, एसेंशियल जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो जैसे कि विटामिन्स, मिनरल्स, वो अलग से ऐड किए जाते हैं। तो एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स इसमें ऐड किए जाते हैं जिससे कि वो फूड की क्वालिटी जो है वो बेटर हो सके, उसकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी इंप्रूव हो सके, जिससे कि लोगों को जो है वो बेनिफिट मिल सके उनकी हेल्थ में और हेल्थ से रिलेटेड रिस्क जो है वो लोगों में कम हो सके,
राइट। तो ये जो प्रैक्टिस है गाइस, जिसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के कंटेंट जो है जब वो ऐड किए जाते हैं तो उसको फोर्टिफिकेशन बोला जाता है। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं राइस फोर्टिफिकेशन के बारे में, राइट। और अभी हम लोग ने स्टार्टिंग के पहले टॉपिक में क्या डिस्कस किया था, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के बारे में हम लोग ने बात करी थी, इस एक्ट के बारे में जिसमें फोकस किया जाता है कि न्यूट्रिशनल फूड जो है वो लोगों को मिलना चाहिए। और अभी हमने देखा कि यूनियन मिनिस्टर के द्वारा बैठक बिठाई गई थी अभी रिसेंटली न्यू दिल्ली में, जहाँ पर विचार किया गया था कि NFSA को कैसे एसेंशियल बनाया जा सके, है ना। तो इसमें विचार के दौरान ही ये बात हुई कि जो राइस जो है, जिसमें ₹3 पर केजी के हिसाब से हम लोग को देखने को मिलता है कि राइस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू, PDS जो शॉप होती है वहाँ से। तो बताया जा रहा है कि जो जिस राइस को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा वो फोर्टिफाइड राइस होगा। इसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा अप्रूवल दिया गया है कि जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड पायलट स्कीम है फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस और उसके डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर, कि PDS के थ्रू फोर्टिफाइड राइस डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, तो उसकी स्कीम को इन्होंने अप्रूवल कर दिया। तो अब से हम लोग को देखने को मिलेगा कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन के जो लोग हैं जो राइस को परचेज करते हैं वो फोर्टिफाइड राइस होने वाला है, नहीं कि उसमें एक्स्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ऐड होंगे, जिससे क्या होगा कि लोगों को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले, लोगों की बॉडी में प्रॉपर न्यूट्रिशन आए और जिससे कि उनकी हेल्थ जो है वो डेटेरियरेट ना हो। समझ में आ रही है आपको पूरी बात। तो ये फोर्टिफाइड राइस जो है उसको कहा जा रहा है और उसको अप्रूवल दे दिया है। और जो ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम हम लोग को देखने को मिल रही है, इसमें शेयर क्या है गाइस सेंटर का, तो जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स होती हैं, हिली स्टेट्स होती हैं, आइलैंड स्टेट्स होती हैं, उन स्टेट्स में फाइनेंशियल असिस्टेंस सेंटर जो है वो 90% तक प्रोवाइड कराती है, और जो रेस्ट ऑफ द स्टेट्स हैं वहाँ पर 75% तक का सेंट्रल की तरफ से फाइनेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। तो ये थोड़ा फंड से रिलेटेड शेयर भी आपको पता होना ज़रूरी है। तो ये है गाइस फोर्टिफाइड राइस के बारे में कि अब जो है राइस जो है वो हम लोग को एज अ फोर्टिफाइड देखने को मिलेगी, फोर्टिफिकेशन की हुई राइस, उसमें एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट ऐड किया होगा। द क्वेश्चन अराइजेज इज कि हम लोगों ने राइस को ही क्यों चुना, चावल को ही क्यों चुना फोर्टिफिकेशन के लिए, दूसरे जो एसेंशियल ग्रेन्स हैं या दूसरे क्रॉप्स वगैरह उनको क्यों नहीं चुना हमने। तो गाइस द रीजन बीइंग इज कि हमारे यहाँ राइस जो है गाइस, अगर बात करें इंडिया की और ऑल ओवर पूरे वर्ल्ड की, तो राइस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेपल फूड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फूड है। एस्टिमेट लगाया जाता है कि हर साल मतलब हर दिन बेसिकली एवरी डे करीब 2 बिलियन लोग जो हैं वो राइस को कंज्यूम करते हैं, उनकी नॉर्मल डाइट में राइस हम लोग को देखने को मिलता है, जिसमें से एशिया और अफ्रीका के लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैं। और इंडिया की आपको पता ही, इंडिया में आपको देखने को मिलेगा हर 2 में से 1 बंदा तो रेगुलर बेसिस पर राइस खाता है, काफ़ी फेवरेट, जैसे मेरा भी दाल चावल काफ़ी फेवरेट है, अच्छा लगता है। तो वैसे ही जो चावल जो है वो मैक्सिमम लोग डेली बेसिस पर कंज्यूम करते हैं। तो बताया गया है कि जब डेली बेसिस पर लोग कंज्यूम कर रहे हैं तो क्यों ना उनके राइस में एक्स्ट्रा एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो है वो ऐड कर दिए जाएँ, जिससे कि उनको जो है वो दूसरे क्रॉप के ऊपर, दूसरे ग्रेन के ऊपर न्यूट्रिएंट अपनी मतलब यानी कि न्यूट्रिएंट न्यूट्रिशन को बैलेंस करने के लिए उनको दूसरे क्रॉप्स ग्रेन्स की तरफ देखना ना पड़े, दूसरे फूड की तरफ देखना ना पड़े, कि राइस से ही सिर्फ उनका काम हो जाए। तो इस प्रकार की प्रोसेस हम लोग को देखने को मिल रही है, राइट, फोर्टिफिकेशन के थ्रू। और जो रेगुलर मिल्ड राइस जो होता है, जो कि हम लोग चक्की से पिसवाकर राइस को लेकर आते हैं, रेगुलर जो राइस होता है चावल, तो उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट जो होता है वो काफ़ी लो होता है और हम लोग को देखने को मिलता है वो सिर्फ एक कार्बोहाइड्रेट का ही सोर्स होता है, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट उसमें हम लोग को देखने को मिलता है, दैट्स इट, कार्ब्स होते हैं उसमें बस राइस में, बाकी दूसरे न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल नहीं होते। तो इसी के चलते फोर्टिफिकेशन के थ्रू एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि फूड में न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करने की। और गाइस फोर्टिफाइड राइस के अंदर क्या क्या होता है, तो ये प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो राइस को जो फोर्टिफाइड किया जाता है तो उसमें कौन से न्यूट्रिएंट को ऐड किया जाता है, तो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन B12, फॉलिक एसिड, आयरन और जिंक, तो ये इसमें न्यूट्रिएंट होते हैं फोर्टिफाइड राइस में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लिया जाएगा कुछ ऑप्शंस देकर कि इनमें से बताइए कौन से न्यूट्रिएंट जो है वो फोर्टिफाइड राइस में अवेलेबल होते हैं। तो यू शुड बी अवेयर कि ये सब अवेलेबल होते हैं, ठीक है। और फूड फोर्टिफिकेशन इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड्स रेगुलेशन 2016 हम लोग को देखने को मिलता है, जो कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बनाया था इसको, FSSAI के द्वारा इसको बनाया गया था इस रेगुलेशन को। इसके थ्रू जो भी स्टैंडर्ड्स होते हैं फूड फोर्टिफिकेशन के उसको सेटअप किए जाते हैं, और प्लस FSSAI जो है इस रेगुलेशन या फिर इस रेगुलेटरी बॉडी के थ्रू जो है वो फोर्टिफाइड फूड जो होते हैं उनको इनकरेज करती है, उसके प्रोडक्शन को, उसके मैन्युफैक्चरिंग को, उसके डिस्ट्रीब्यूशन, सेल, उसके कंजम्पशन को जो है वो इनकरेज किया जाता है, प्रमोट किया जाता है, ठीक है। और इवन इन्होंने रिकमेंडेशन रखा गया है कि फूड फोर्टिफिकेशन जो होना चाहिए वो मैंडेटरी हो जाना चाहिए, कि जैसे जो भी हम लोग ग्रेन्स को कंज्यूम कर रहे हैं एज अ व्हीट और राइस, तो वो फोर्टिफाइड हो, उसमें एक्स्ट्रा एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हो, राइट।
तो ये था ओवरऑल पूरा टॉपिक फोर्टिफाइड राइस से रिलेटेड। आई होप कि आपको पूरी चीज क्लियर हो गई होगी अच्छे से। दोस्तों अब डिस्कस करते हैं अटल इनोवेशन मिशन के बारे में। तो बताया जा रहा है कि द अटल इनोवेशन मिशन इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्लैगशिप इनिशिएटिव टू प्रमोट अ कल्चर ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन द कंट्री। तो कंट्री में इंडिया में इनोवेशन का कल्चर और एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए ये अटल इनोवेशन मिशन हम लोग को देखने को मिलता है। देखिए नाम से समझ आ रहा है इनोवेशन मिशन है कि इनोवेशन को ये प्रमोट करता है कि इंडिया में इनोवेशन हो ज़्यादा से ज़्यादा, नई नई टेक्नोलॉजी लोग बनाएं, क्रिएट करें, राइट। और द ऑब्जेक्टिव ऑफ अटल टिंकरिंग लैब्स, अब देखो ये अटल टिंकरिंग लैब्स जो है ये अटल इनोवेशन मिशन के अंडर हम लोग को देखने को मिलती हैं, अटल टिंकरिंग लैब्स। तो ये लैब क्या करती हैं, तो एक तरह से सिंपल तरीके से बताऊं तो आपने अगर कहीं पे साइंस सेंटर पे विजिट किया होगा तो अक्सर किया होगा, अपने स्कूल की ट्रिप्स वगैरह में साइंस सेंटर ले आया करते हैं। तो आप अगर कभी साइंस सेंटर गए होगे या फिर स्कूल की ट्रिप के अलावा भी कहीं पर आपके नियरेस्ट साइंस सेंटर पे अगर आप गए होगे तो वहाँ पे आपने देखा होगा कितनी सारी वेरियस डिवाइसेस रखी रहती हैं जिनको देखने के बाद हमारे अंदर से क्यूरियोसिटी डेवलप होती है कि अरे यार ये कैसे हुआ, ये साउंड जो है वो कैसे निकला, इसको टच करने पर कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, कैसे वो एक रॉड नहीं होती, एक रॉड जिसको जिसके ऊपर से पूरा घुमाओ लेके जाओ तो एकदम हम लोग को देखने को मिलता है कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती रहती है, और जैसे ही वो किसी कहीं पर टच होती है उसमें तो एकदम से सायरन बनने लगता है, टी यू, है ना। तो ये कैसे हुआ, मतलब कौन सी एनर्जी इसमें काम कर रही है, एक बॉल पे हम लोग अगर टच करते हैं तो वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने लगती है थोड़ी थोड़ी, तो क्या ये स्टैटिक एनर्जी के पीछे इसका कुछ रोल है या फिर कुछ और है। तो ऐसे करके हम लोग के अंदर क्यूरियोसिटी नहीं डेवलप होती, वैसे ही ये अटल टिंकरिंग लैब्स जो है बताया जा रहा है कि स्कूल्स में सेटअप किए जाएंगे जहाँ पर इसका जो मेजर ऑब्जेक्टिव होगा कि टू फोस्टर क्यूरियोसिटी क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन इन यंग माइंड, जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है उनके दिमाग में क्यूरियोसिटी डेवलप हो और इमेजिनेशन करने की शक्ति डेवलप हो कि जिसके चलते वो इनोवेशन करने के डायरेक्शन में जो है वो कदम बढ़ाएं, राइट। क्योंकि जब तक इंसान किसी चीज़ों को देखेगा नहीं तब तक उसके अंदर जैसे क्यूरियोसिटी डेवलप नहीं होगी कि अरे यार ये कैसे हुआ, राइट। तो वो क्यूरियोसिटी को डेवलप करना है इस प्रकार की साइंस एंड टेक से रिलेटेड चीज़ों से बच्चों को इंट्रोड्यूस करा के, वो भी रेगुलर बेसिस पे, जैसे कि हमारे यहाँ स्कूल्स वगैरह में आपने देखा होगा कंप्यूटर की लैब्स होती हैं जहाँ पर हम लोग जाते थे मस्त, मतलब पर डे तो नहीं, दो एक दिन में हम लोग को एक बार कंप्यूटर लैब में ले आया जाता था, कंप्यूटर का पीरियड हुआ करता था, कितना मज़ा आता था लाइन लगकर कंप्यूटर देखने में, राइट। तो वही क्यूरियोसिटी डेवलप होगी, बट इस बार कंप्यूटर भी यहाँ पर अवेलेबल होंगे बट यहाँ पर साइंस एंड टेक से रिलेटेड इनोवेटरी डिवाइसेस भी अवेलेबल होंगी कि जिससे बच्चा जो है वो इमेजिन करे चीज़ों को। इवन वहाँ पर एक डिजिटल स्क्रीन भी होगी जिसमें बहुत सारी चीज़ें मेंशन होगी, समय समय पर लोग बच्चों को स्लाइड्स के थ्रू या डिजिटल ग्राफ्स वगैरह के थ्रू चीज़ों को सिखाया जाएगा, बताया जाएगा कि कैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑपरेट करती है, समझ रहे। तो इस प्रकार से स्किल्स वगैरह जो है वो बच्चों के दिमाग में डाली जाएंगी जिससे कि बच्चे के दिमाग जो है गाइस वो फिजिकल कंप्यूटिंग की तरफ, कंप्यूटेशनल थिंकिंग की तरफ और माइंडसेट, उसका डिज़ाइन माइंडसेट जो है वो तैयार हो सके, ऐसी स्किल्स उसके अंदर डेवलप हो सके कि जिसके थ्रू वो इमेजिन करते हुए चीज़ों को इनोवेट करने पे फोकस करे, ना कि जो उसके सामने थ्योरेटिकल मैटर है सिर्फ उसको पढ़ लिया एग्जाम में पास हो गया, तो ऐसा नहीं कि बच्चों के माइंड को इनोवेटिव बनाने की बात की जा रही। इसीलिए तो एजुकेशन के ऊपर एक बेस्ट रिफॉर्म ये हम लोग को एक तरह का देखने को मिल रहा है एजुकेशन सेक्टर में। आप अगर एजुकेशन सेक्टर में रिफॉर्म से रिलेटेड कोई मेंस में क्वेश्चन आता है तो यू कैन यूज़ दीज अटल टिंकरिंग लैब्स, एक तरह का रिफॉर्म है ये एजुकेशन के ऊपर। क्योंकि अगर आप USA जाओ या दूसरी कंट्रीज पे जाओ तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर बुक्स वगैरह के थ्रू जो है वो बुक सिर्फ रेफरल के लिए रखी जाती है बट मोस्ट ऑफ द थिंग वहाँ पर प्रैक्टिकल दिखाई जाती है, बट हमारे यहाँ क्या है, टीचर आए बुक पढ़ाई बस हो गया, तो उसमें क्या होता है कि इंसान जो है वो सिर्फ पास होने के लिए पढ़ता रहता है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स उनका ऑब्जेक्टिव होता है बस रट लो और आंसर लिख लो, उनका ऑब्जेक्टिव ये नहीं होता कि हमने क्या सीखा क्या नहीं। 3 Idiots मूवी देखी होगी आपने, तो सेम वैसे ही एक एजुकेशन सेक्टर में एक अटल टिंकरिंग लैब्स के थ्रू रिफॉर्म यहाँ पर देखने को मिल रहा है, राइट। और इसमें जो स्कूल्स होंगे गाइस जो कि जिनमें 6th से लेकर 10th क्लास हम लोग को देखने को मिलेंगी मिनिमम, यानी कि सेकेंडरी जो स्कूल होगा, सेकेंडरी क्लासेस जहाँ पर लगती होंगी और जिसको मैनेज किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा, लोकल बॉडीज या प्राइवेट सेक्टर्स के द्वारा, तो वहाँ पर सेटअप किया जा सकता है ये अटल टिंकरिंग लैब। तो याद रखिएगा कि मिनिमम जैसे स्कूल में 6th से लेकर 10th क्लास तक की 10th के ग्रेड होंगे यानी कि सेकेंडरी क्लासेस होंगी जैसे स्कूल में, तो उन स्कूल में अटल टिंकरिंग लैब जो है वो सेटअप की जाएंगी। और अभी न्यूज़ में इसलिए देख रहे हैं क्योंकि 8878 स्कूल्स जो है वो सेलेक्ट किए गए हैं अटल टिंकरिंग लैब्स के लिए जिसके थ्रू रिसर्च और इनोवेशन को प्रमोट किया जा रहा है। 8878 कुछ नंबर से कुछ याद आया, तो 8848 मुझे अभी याद आया इस नंबर से, 78 तो नहीं, 8848। 8848 क्या है, माउंट एवरेस्ट जो है उसकी हाइट है 8848 मीटर्स, 8848, राइट। तो ये भी थोड़ा सा एकदम याद आ गया तो मैंने आपको बता दिया। एंड
Atal Innovation Mission will provide grant in aid that includes one-time establishment cost of rupees 10 lakh and operational expenses of rupees 10 lakh for maximum period of 5 years to each Atal Tinkering Labs. So Atal Innovation Mission ke through jis particular school mein Atal Tinkering Labs jo hai wo set up ki jayengi. Atal Tinkering Labs wahan par us school ko 10 lakh rupay to set up karte samay diye jayenge one-time establishment cost 10 lakh rupay to sochi kitni shandar ye lab hone wali hai. अब आप समझो मैंने आपको जो साइंस सेंटर का जो एग्जांपल दिया था उससे रिलेट करके सोचो कि कितनी 10 लाख रुपए लग रहे हैं एक लैब को सेटअप करने के लिए तो कितनी सारी डिवाइसेस होंगी इसमें प्लस इवन उसके मैनेजमेंट के लिए 10 लाख रुपए प्रोवाइड किए जाएंगे मैक्सिमम 5 सालों के लिए तो ये वाली बात भी यहाँ पर बताई जा रही है राइट दोस्तों अब इस पर्टिकुलर टॉपिक में बात की जा रही है नेशनल मिशन ऑन नेचुरल लैंग्वेज ट्रांसलेशन सून तो देखो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी बता रहे हैं कि अभी बहुत ही जल्दी यूनियन कैबिनेट के पास एक अपना प्रपोजल जो है वो रखने वाले हैं नेचुरल लैंग्वेज ट्रांसलेशन के लिए जो कि वन ऑफ द की मिशन है जिसको आइडेंटिफाई किया था प्राइम मिनिस्टर साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल के द्वारा तो ये क्या है नेचुरल लैंग्वेज ट्रांसलेशन देखो अभी प्रपोजल जो है वो नहीं रखा है यूनियन कैबिनेट में और इसको लागू होने के लिए इनैक्ट होने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा बट इन जनरल यू शुड नो कि ये नेचुरल लैंग्वेज ट्रांसलेशन क्या है नाम से क्या समझ में आ रहा है नेचुरल लैंग्वेज का ट्रांसलेशन करना तो इसका मेजर एम ये है टू मेक साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल टू ऑल बाय फैसिलिटेटिंग एक्सेस टू टीचिंग एंड रिसर्चिंग मटेरियल बायलिंगुअली इन इंग्लिश एंड इन वंस नेटिव इंडियन लैंग्वेज यहाँ पर क्या होगा ये मिनिस्ट्री ऑफ आईटी जो है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मीटी जो है ये बेसिकली एक ऐसे डिवाइसेस को डेवलप करने की बात कर रही है जो डिवाइसेस स्कूल्स वगैरह में लगाए जाएंगे जिसके माध्यम से बच्चे जो हैं और इवन टीचर्स ऑल्सो उनको लैंग्वेज बैरियर जो है वो फेस ना करना पड़े इसमें फ़ायदा क्या होगा जैसे कई सारे जो बच्चे जो हैं गाइस उनको इंग्लिश लैंग्वेज समझने में काफ़ी डिफिकल्टी होती है अंडरस्टैंड करने में जितना कि हम लोग हिंदी लैंग्वेज समझ पाते हैं जैसे कि मेरा ये लेक्चर जो है ये मेरा लेक्चर काफ़ी सारे लोग जो है उसको सुन पाते हैं उसको समझ पाते हैं बिकॉज हिंदी में है बट व्हाट अबाउट दोस जो कि साउथ इंडिया से बिलोंग करते हैं सदर्न स्टेट से उनको थोड़ी डिफिकल्टी होती है हिंदी समझने के लिए राइट वैसे ही इंग्लिश लैंग्वेज में कोई लेक्चर दे रहा है और कोई हिंदी मीडियम का है स्टूडेंट तो उसको काफ़ी डिफिकल्टी होती है समझने के लिए और कंसेप्ट क्लियर करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं हुए तो वो टॉपिक वो सब्जेक्ट समझ में नहीं आएगा तो इसीलिए यही एजुकेशन को और एडवांस करने के लिए तो बताया गया है कि एक ऐसी डिवाइस जो है वो लेके आने वाले हैं जिस जो कि स्कूल्स वगैरह में लगेंगे जिनके माध्यम से बच्चे जो हैं वो बायलिंगुअली किसी चीज़ को जो है वो समझ पाएंगे बेटर तरीके से राइट तो ये गवर्नमेंट का एक प्लान है एक तरह का जो कि आपको पता होना चाहिए ये मशीन ट्रांसलेशन और ह्यूमन ट्रांसलेशन का कॉम्बिनेशन हम लोग को देखने को मिलेगा एंड आईटी मिनिस्ट्री इज द लीड एजेंसी ऑफ इंप्लीमेंटिंग ऑफ दिस मिशन अलॉन्ग विद मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो ये तीन मिनिस्ट्री जो है ये बेसिकली लीड करेंगे इस मिशन के लिए नेशनल मिशन ऑन नेचुरल लैंग्वेज ट्रांसलेशन हम लोग को देखने को मिलेगा तो अभी तो ये आया नहीं जब आएगा तो वी विल गोइंग टू डिस्कस इट तो इसमें क्या होगा कि इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी फॉर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड लोगों के लिए देखो क्या होता है हमारे यहाँ क्या है अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है राइट बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट देखने को होता है कई सारे ऐसे एजुकेटेड लोग हैं जो कि सिर्फ घर पे बैठे हुए हैं वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं तो उसमें बताया गया कि इस प्रकार की ट्रांसलेशन एक्टिविटीज़ के लिए जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिलना शुरू हो जाएगी और ये सिर्फ ना ही सिर्फ स्टूडेंट्स को ये मिशन हेल्प करेगा बल्कि इवन टीचर्स को भी हेल्प करेगा लैंग्वेज बैरियर्स जो आ जाते हैं टीचर्स के अमंग भी ऑथर्स के अमंग भी पब्लिशर ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर डेवलपर्स जनरल रीडर्स के अमंग तो ये ऐसी कुछ यहाँ पर बात बताई जा रही है बट अभी के लिए यू शुड नो अबाउट दीज पर्टिकुलर थिंग गाइस कि ये ऐसा कुछ आने वाला है एक ऐसी डिवाइस स्कूल में सेटअप की जाएंगी जिसके माध्यम से बच्चा जो है वो अपने कम्फर्ट लैंग्वेज में जो है वो चीज़ों को समझ पाएगा देखो कई बार होता है कि कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हम लोग को इंग्लिश मैं नहीं बोलता कि आप में से किसी को इंग्लिश नहीं आती सबको आती इंग्लिश बड़ी टास्क नहीं है इंग्लिश बोलना या इंग्लिश सीखना या समझना बट द प्रॉब्लम इज जो कोर चीज़ें होती हैं राइट जो कंसेप्ट अपने क्लियर करने वाली चीज़ होती हैं वो तभी क्लियर होंगी जब आप हिंदी में बोलोगे या समझोगे या फिर आपकी मदर टंग लैंग्वेज में उस चीज़ को समझोगे जैसे मुझे काफ़ी डिफिकल्टी होती है कई सारे ऐसे टॉपिक होते हैं जिसमें मैं इंग्लिश में लेक्चर सुनता हूँ या समझता हूँ तो वो मुझे इतने अच्छे से क्लियर नहीं होता जितना मुझे हिंदी में हो जाते हैं बिकॉज हिंदी में बिल्कुल अपने दिमाग में आती पूरी चीज़ें बिकॉज वी आर वेरी क्लियर विद दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज कि उसका क्या मतलब है क्या है बिल्कुल सही डायरेक्शन में जाता हूँ दैट इज़ द थिंग दैट इज़ वाई ये एक नया इनिशिएटिव हम लोग को एजुकेशनल सेक्टर के रिफॉर्म में भी अगेन देखने को मिल रहा है और PMSTAIAC के बारे में आपको बताया था प्राइम मिनिस्टर साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल तो क्या है गाइस ये तो नाम से जो हमारा एडवाइजरी काउंसिल है जो कि साइंस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के ऊपर एडवाइसेज देती है जितने भी चैलेंजेस वगैरह आते हैं साइंस टेक्नोलॉजी एरिया के ऊपर तो उसको आइडेंटिफाई करती है और उसको ओवरकम करने पर फोकस करती है राइट तो ये वाली बात यहाँ पर बताई गई है तो ये चीज़ याद रखिएगा आई होप आपको क्लियर हो गया होगा इससे रिलेटेड दोस्तों बात करते हैं महाराजा रंजीत सिंह जी के बारे में तो गाइस महाराजा रंजीत सिंह के बारे में क्यों हम लोग बात कर रहे हैं
तो गाइज अभी रिसेंटली लाहौर में इनका एक स्टैचू जो है उसका इनॉग्रेशन हुआ है, उद्घाटन हुआ है। और महाराजा रंजीत सिंह जो है गाइज उन्होंने करीब 40 सालों तक पंजाब में राज किया था, रूल किया था 40 सालों तक, 1801 से लेकर 1839 तक, राइट। और देखिए गाइज इसमें प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का ये हम लोग को देखने को मिल रहा है टाइमलाइन। 1707 से लेकर 1947 का पीरियड जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रिलिम्स के लिए। तो ये जो पीरियड है 1801-39 का, ये इसी बीच का पीरियड है। तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में इनके बारे में पूछा जा सकता है, महाराजा रंजीत सिंह, तो इसलिए हम लोग इस प्री पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक को कवर कर रहे हैं। मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से जनरल स्टडीज पेपर वन में पूछा जा सकता है ये। तो अब देख लेते हैं गाइस थोड़ा सा महाराजा रंजीत सिंह जी के बारे में। तो ये इनका जन्म हुआ था 13 नवंबर 1780 को, और इनका जन्म हुआ था आज की डेट में जो पाकिस्तान हम लोग को देखने को मिलता है, उस समय गुजरनवाला एक जगह थी वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। और उस समय 1980s के समय पे पंजाब जो था वो कई सारे पावरफुल जो चीफ्स वगैरह थे, सरदार वगैरह जो थे, ज़मींदार जो थे, उनके रूल में था, राइट। जिन्होंने जो था पूरे पंजाब वगैरह को डिवाइड किया हुआ था मिसले के ऊपर, वेरियस मिसले थे, अलग अलग टेरिटरी जो थी वो अलग अलग पावरफुल रूलर के पास थी। तो रंजीत सिंह जी ने 1799 में जब लाहौर को कॉन्कर किया, अपने कब्जे में लिया, तो उस समय उन्होंने यूनिफाइड सिख एम्पायर जो है वो इस्टेब्लिश कर दिया, यानी कि पूरा का पूरी एरिया जो था उन्होंने अपने कंट्रोल में किया, और एक यूनिफाइड यानी कि सभी जो एरियाज हैं पंजाब के, लाहौर के, मतलब रिमेनिंग रेस्ट ऑफ द स्टेट जो है वो उनको इकट्ठा किया और उसको एक यूनिफाइड सिख एम्पायर की तरह इस्टेब्लिश किया, सिखों का एक एम्पायर, पूरा कंप्लीट सिख का एम्पायर, तो उस पर इन्होंने इस्टेब्लिश कर दिया। यानी कि जो डिवाइडेड जो टेरिटरीज वगैरह थी उसको हटाकर एक लौती सिंगल टेरिटरी रखी, और वो एज अ यूनिफाइड सिख एम्पायर की तरह हम लोग को देखने को मिली। इनको गाइस टाइटल दिया गया लायन ऑफ पंजाब, पंजाब का शेर इनको टाइटल दिया, शेर ए पंजाब। क्यों गाइस? क्योंकि लाहौर में जो अफगान इन्वेडर से, जो अफगानी लाहौर में आए हुए थे, कब्जा किया था जिन अफगानियों ने लाहौर में, काफ़ी डेंजरस थे ये अफगानी, तो उनको इन्होंने दौड़ा दौड़ा कर मारा, यहाँ से उखाड़ फेंका था इस एरिया से इनको अफगानियों उसको। तो ये देखने के बाद इनको जो है वो पंजाब का राजा टाइटल मिला, लायन ऑफ पंजाब, शेर ए पंजाब। और उसके बाद लाहौर जो थी गईज वो उनकी मृत्यु तक उनकी कैपिटल ही हम लोग को देखने को मिली। और इनके जो जनरल थे हरी सिंह नलवा, इन्होंने फोर्ट ऑफ जामरुद जो है वो बनाया था खैबर पास के पास, याद रखिएगा खैबर पास के पास जो है फोर्ट ऑफ जामरुद है, राइट। ये भी पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में। और खैबर कास पास जो है, सॉरी, आपने पढ़ा होगा कि यहाँ पे कई सारे फॉरेन रूलर्स जो हैं वो इंडिया में एंटर हुए थे इसी रूट से, खैबर पास के रूट से। इवन जो अलेक्जेंडर की बात करें, सिकंदर की बात करें हम लोग, तो वो भी इसी रूट से इंडिया में एंटर होने वाला था, बट उसको जो है आप जानते हैं कि उसकी वहाँ पर ट्राइब्स जो थे गाइस उन्होंने उसको तीर वीर चला दिया, जिसके कारण से उनकी मृत्यु हो गई रास्ते में वापस जाते हुए। तो बहुत हालत ख़राब हो गई थी सिकंदर की, पूरे दुनिया को कॉन्कर करना चाह रहा था बट वो इंडिया को नहीं कर पाया कॉन्कर, राइट। तो ये भी इंडिया भी इस के लिए जाना जाता है वर्ल्ड लेवल पर हिस्ट्री में इंडिया की। और जब गाइज इनकी जो मृत्यु हुई थी, डेथ हुई थी, तो ये एक लौते सॉवरेन लीडर थे इंडिया में बचे हुए, एक लौते जिन पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब्जा नहीं किया था। रिमेनिंग स्टेट्स में आपने देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है वो कॉन्कर करना शुरू कर दिया था रिमेनिंग स्टेट्स को, वहाँ के जो राजा जो थे, किंग जो थे, लीडर जो थे जिस पर्टिकुलर टेरिटरी के, एरिया के, तो उसको एज अ पपेट बना लिया था इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी ने। बट यहाँ पर हुआ ये कि इनकी मृत्यु तक ये एक लौते सॉवरेन लीडर थे, इनकी पूरी टेरिटरी इनके कंट्रोल में थी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो इनको कंट्रोल नहीं कर पाई इनकी मृत्यु तक। और इन्होंने कई सारे यूरोपियन ऑफिसर्स को भी एम्प्लॉयमेंट दी है अपने कोर्ट में, अपने एरिया में। इनके पास स्पेशली फ्रेंच जो थी वो फ्रांस की के जो यूरोपियन ऑफिशियल्स जो थे वो इनके पास एम्प्लॉयड थे, और इन्होंने उनको रखा था जो रंजीत सिंह जी जो है उनके ट्रूप्स जो है, उनके सोल्जर्स जो है, उनको ट्रेन करने के लिए। तो आपको पता होना चाहिए कि जो फ्रांस जो है या फिर मान लो फ्रेंच जो आए हुए थे यहाँ पर इंडिया में, तो उन्होंने महाराजा रंजीत सिंह के सोल्जर्स को ट्रेन किया था, उसके लिए उन्होंने इनको रखा था ट्रेन करने के लिए। और इन्होंने अपॉइंट किया था फ्रेंच जनरल जीन फ्रैंक्विस अलार्ट को कि इनकी आर्मी को मॉडर्नाइज करें, रंजीत सिंह जी की आर्मी को मॉडर्नाइज करने के लिए ये जनरल जीन फ्रैंक्विस अलार्ट जो है उनको इन्होंने अपॉइंट किया था। और 2016 में इवन फ्रांस में, अगर फ्रांस की हम लोग बात करें, तो फ्रांस का एक टाउन ऑफ सेंट टॉर्पीज़ है, वहाँ पर इनका ब्रॉन्ज का एक स्टैचू जो है वो लगाया गया था इनकी इनके रिस्पेक्ट में। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनका स्टैचू इवन फ्रांस में भी हम लोग को देखने को मिलता है, जो कि फ्रेंच के द्वारा लगाया गया था। अब रंजीत सिंह जी जो थे गाइस, उनकी बेसिकली टेरिटरी जो थी वो बहुत बड़ी थी, उनका एम्पायर बहुत ज़्यादा बड़ा था,
इनके एम्पायर में हम लोग को लाहौर देखने को मिलता था, मुगल प्रोविंस जो है लाहौर की वो देखने को मिलती थी, मुल्तान एरिया देखने को मिलता था, काबुल का कुछ पार्ट था, और इवन पूरा का पूरा पेशावर जो है वो इनकी टेरिटरी में था, और इनकी बाउंड्री जो थी वो लद्दाख तक हम लोग को देखने को मिलती थी। और जो जनरल थे गाइस जम्मू के जिनका नाम था जोरावर सिंह, उन्होंने इनके नाम पर लद्दाख को कॉन्कर किया था। तो लद्दाख को किसके द्वारा कॉन्कर किया गया था, तो इनके जनरल जोरावर सिंह के द्वारा कॉन्कर किया गया था। इन द नॉर्थ ईस्ट खाइबर पास, इन द नॉर्थ वेस्ट अप एंड अप टू पंजत, तो पंजत तक यानी कि पंजत जो है वो हम लोग को देखने को मिलता था कि जो फाइव रिवर्स है पंजाब की उसके नाम पर पंजत जो है वो रखा गया। उसके असर हम लोग ने पंजाब नाम जो है वो बाद में इसका पढ़ा। तो एक टाइम पर पंजाब जो एरिया है और रिमेनिंग रेस्ट ऑफ द एरियाज जो और इंक्लूडेड थे पंजाब में, तो वो पंजत नाम जो है वो कहलाया जाता था। और इस समय जो एट प्रेजेंट जो हम लोग पंजाब बोलते हैं और पंजाब जो है वो फाइव रिवर्स हम लोग को देखने को मिलती, तो उस समय उनके रीजन में जब एम्पायर डिवाइड नहीं हुआ था, पंजाब टेरिटरी जो है वो डिवाइड नहीं हुई थी, तो उसके रीजन में जो पंजाब जो हुआ करता था वो छः नदियों से मिलकर बनता था। तो पंजाब इंडस तक पहुँचा हुआ था, उसमें छठी नदी जो थी वो इंडस थी, हम लोग को देखने को मिलती थी, राइट। और महाराजा वॉज नोन फॉर इट्स जस्ट एंड सेक्युलर रूल। इनके यहाँ दोनों हिंदू और मुस्लिम काफ़ी पीसफुल तरीके से रहते थे, और हिंदू और मुस्लिम्स दोनों को इन्होंने पावरफुल पोजीशन अपने दरबार में अपने कोर्ट में जो है वो दी थी। इन्होंने किसी भी प्रकार का जो है वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया हिंदू में मुस्लिम में या सिख में। इनकी सेक्युलर स्टेट थी, सेक्युलर रूल था इनका, जिसमें वो सभी को अपॉर्चुनिटी देते थे इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन और कास्ट। तो हिंदू मुस्लिम्स दोनों पावरफुल पोजीशन पर थे इनके दरबार में। और इन्होंने हरमिंदर साहिब जो है अमृतसर में, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हरिमंदर साहिब जो अमृतसर में हम लोग को देखने को मिलता है, गोल्डन टेम्पल, राइट। तो गोल्डन टेम्पल को इन्होंने गोल्ड से कवर किया था। तो पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि गोल्डन टेम्पल को गोल्ड से किसने कवर किया, तो ये थे महाराजा रंजीत सिंह जी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वेश्चन आ सकता है इससे रिलेटेड। और गाइज एक गुरुद्वारे का नाम ये भी याद रखिएगा, हजूर साहिब गुरुद्वारा। ये गुरु गोविंद सिंह जो है गाइज उनका फाइनल रेस्टिंग प्लेस जो था, यहाँ पर इन्होंने समाधि ली थी। तो ये महाराष्ट्र में है हजूर साहिब गुरुद्वारा, और जो रंजीत सिंह जी जो है महाराजा रंजीत सिंह, उन्होंने हजूर साहिब गुरुद्वारा को फंड भी प्रोवाइड किया था, राइट। तो ये वाली बात हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलती। तो ये था गाइस महाराजा रंजीत सिंह से रिलेटेड पूरा टॉपिक। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप लोग को ध्यान में रखनी है। दोस्तों अब इस एडिटोरियल की बात करें तो देखिए यहाँ पर एडिटर के द्वारा एक्यूट एनसीफेलाइटिस सिंड्रोम के बारे में बात की गई है, जो कि बिहार में हम लोग को देखने को मिला था, और इसके बारे में मैं आपसे कई बार डिस्कस कर चुका हूँ प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में, तो दोबारा से मैं इन पूरी चीज़ों पर नहीं आने वाला हूँ। तो आप लोग एक बार इस एडिटोरियल को चाहें तो रीड कर लीजिए, जो भी हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं। बाकी अगर किसी को एक्यूट एनसीफेलाइटिस सिंड्रोम के बारे में समझना है तो प्रीवियस दो चार ट्यूटोरियल में आप देखेंगे तो आपको ये टॉपिक मिल जाएगा, जिसको काफ़ी ज़्यादा डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ था। तो एडिटर जो है वो ये बोल रहे हैं कि लोगों को एक मिनिमल डिसेंट लाइफ जो है वो मिलना चाहिए, उसका अधिकार होना चाहिए उनके पास। तो इस पर इन्होंने फोकस किया हुआ है, इस पर इन्होंने पूरी केस स्टडी करी है। बताया गया है कि जो सिस्टमैटिक फेलियर जो हुआ था, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि बच्चों की मृत्यु क्यों हुई थी, तो वो लीची बच्चों ने खा ली थी खाली पेट। तो इसमें फूड को भी एक मेजर वो बताया गया है कि लोगों को जो है वो प्रॉपर न्यूट्रिशियस फूड मिलना चाहिए, क्योंकि अगर बच्चे जो है वो रात में खाली पेट लीची खाने के बाद खाली पेट अगर सोते नहीं तो बच्चे जो है गाइस वो एक्यूट एनसेफेलाइटिस सिंड्रोम के शिकार नहीं बनते, राइट। तो इन्होंने फूड के ऊपर फोकस किया गया है कि लोगों को फूड मिलना चाहिए, जिसमें हमने बात भी करी थी ना नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि बच्चों को जो है बच्चे नहीं मतलब ऑल ओवर पूरी पॉपुलेशन को अच्छा खाना मिलना चाहिए, न्यूट्रिशियस फूड मिलना चाहिए। इसके लिए ये एक्ट जो है वो मिला है, जिससे कि लोग बाग जो है वो अपनी डिसेंट और डिग्निटी लाइफ जो है वो जी सकें। तो ये वाली बात यहाँ पर बताई गई है। तो ये सिस्टमैटिक फेलियर का उन्होंने बोला, इन्होंने बताया कि अगर टाइम पर एम्बुलेंस के अंदर 10% डेक्सट्रोज जो है, डेक्सट्रोज क्या होता है गाइस, मैंने आपको बताया था ग्लूकोज की बॉटल जो चढ़ाई जाती है, जैसे ही कभी हॉस्पिटल जाते हैं हम लोग तो आपने देखा होगा डॉक्टर फटाक से ग्लूकोज की बॉटल जो चढ़ा देता है। तो इन्होंने बोला गया है कि अगर बच्चों को टाइम पर एम्बुलेंस में ही अगर ग्लूकोज की बॉटल चढ़ा दी होती या टाइम पर उनको 10% डेक्सट्रोज मिल गया होता, तो ऑब्वियस सी बात है कि बच्चे जो है उनको प्रॉब्लम नहीं होती। मतलब लीची फ्रूट खाने के बाद भी अगर सिम्टम्स उनको दिखने लगते तो देन टू उनके पास कोई प्रॉब्लम जो है वो नहीं होती, बच्चे बचाए जा सकते। तो इसमें लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बताया गया है, सिस्टमैटिक फेलियर्स के बारे में उन्होंने पूरा डिस्कस किया हुआ, जो मैं आपको बहुत अच्छे से हर एक चीज़ जो है वो डिटेल में डिस्कस करवा चुका हूँ। इन्होंने यही बोला कि सरकार को जो है वो एजुकेशन हेल्थ फैसिलिटीज़ के ऊपर जो है वो फोकस करना चाहिए, फूड के ऊपर फोकस करना चाहिए, और ये कुछ बेसिक राइट्स जो है वो हर एक इंडिविजुअल को मिलना चाहिए, जिसके थ्रू वो अपनी लाइफ को डिसेंट बना सकें। सो बस गाइज आज के लिए इतना ही, और अगर आपने लेक्चर को लाइक नहीं किया है तो गाइज लाइक कर दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा है तो, और साथ ही साथ इन नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप हमारे पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर हम लोग आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन करवाते हैं सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की। यहाँ पर आपको पूरा स्टडी मटेरियल भी दिया जाता है, प्लस समय समय पर टेस्ट भी कंडक्ट करवाए जाते हैं,
और अगर आप चाहें तो हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर इसकी जो ये यूज़र नेम्स जो मौजूद हैं, इन यूज़र नेम को अगर आप टेलीग्राम एप्लीकेशन पर सर्च करेंगे तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप्स पर ज्वाइन हो जाएंगे, जहाँ पर आपको फ्री में स्टडी मटेरियल हम लोग प्रोवाइड कराते हैं और वीडियोज़ की नोटिफिकेशन अपडेट्स भी आपको वहीं पर मिल जाती है। और गाइज, अगर आपने जो ये अभी लेक्चर देखा है पूरा, इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इसकी पीडीएफ भी हम लोग इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में प्रोवाइड कराते हैं, बट वो सिर्फ हमारे पेड कोर्सेज मेंबर्स के लिए ही अवेलेबल होती है। तो चलिए गाइज, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा।